वाले में जो अच्छी आपके वाले में अच्छी चीज ये थी कि यू हैव द क्वेश्चंस ऑन दिस पेज। और बतूल आपको आपको मेरी आवाज आ रही है? बतूल कैन यू हियर मी? जी, मैम आ रही है आपकी आवाज मुझे। अच्छा, अगर आप वापस जाएं आपसे, क्योंकि आप में से मुझे लगता है कि कोई नोबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर प्रेजेंटेशन टुडे। एनीबडी हु इज प्रिपेयर्ड फॉर प्रेजेंटेशन टुडे? क्योंकि आपके गूगल क्लासरूम में स्केड्यूल पे आज प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। कोई आप प्रिपेयर्ड हैं बतूल? नहीं मैम, आज नहीं प्रिपेयर। अच्छा, और अफरोज भी? अफरोज आप प्रिपेयर्ड हैं? सुफियान? नो मैम। सुफियान ने यस मैम, जवाब? सुफिया। जी, ऑल राइट। और नबी अहमद, जी मैम। आप प्रिपेयर्ड हैं फॉर प्रेजेंटेशन टुडे? मैम रिसर्च मेथोडोलॉजी तक तो है वो, क्या कहते हैं, मैंने नहीं किया, मैं लिटरेचर रिव्यू तक दे सकता हूँ अगर आप कहें तो। नहीं, सिर्फ लिटरेचर रिव्यू तो नहीं, उसका इंट्रोडक्शन भी चाहिएगा होगा ना, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको सबसे पहले, अगर आप ये देख रहे हो, मैंने आपसे, अगर आपको ये पेज नज़र आ रहा है सारों को, तो मैंने आपको इसको प्रपोजल को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके दिया था। मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने आपसे कहा इंट्रोडक्शन लिखें, नंबर टू में मैंने आपसे जी कहा कि टेबल बनाएं, ठीक है, नंबर थ्री पे जी मैंने मैम, आपसे नंबर थ्री पे आप सबसे मैंने पूछा कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी क्या है, नंबर फोर पे मैंने आपसे पूछा कि अब जो प्रॉब्लम आपने ड्रामे में या फिल्म में या जहाँ भी जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, मैंने उससे कहा कि अब आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया है तो अब आप इसका लिटरेचर रिव्यू करें, ठीक है। जी तो इसका मैम, आप असाइनमेंट्स चेक करेंगे अभी बाकियों की? क्या चीज़? आप गूगल क्लासरूम में से असाइनमेंट्स जो है वो चेक कर रही हैं, मतलब आप देख रही हैं असाइनमेंट्स जी उनकी? जी मैं बिल्कुल देखती हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पे आप नहीं लोग देखते हैं कि 13 टर्न इन है, जी राइट, 13 टर्न इन जी है, राइट। असाइनमेंट टू टेबल में 9 टर्न इन है, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में सिर्फ फोर मैम, टर्न असाइनमेंट 4 में रहिएगा। ठीक है, असाइनमेंट फोर में यहाँ पे जी 3 टर्न इन है, लेकिन एवरीबडी जो है, सब लोगों ने रिटन फॉर्म में, कुछ लोगों ने एग्जाम सबमिट किया, कुछ ने, तो मैंने ये कहा था कि एग्जाम जो है वो गूगल जी गूगल क्लासरूम में भी आना बहुत जरूरी है, राइट। जितना आपको एग्जाम नजर आ रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ सॉफ्ट कॉपी इसलिए जरूरी है क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है आपके एग्जाम्स की टर्निटिन रिपोर्ट निकालती है, और टर्निटिन रिपोर्ट वो अचानक मंगवा भी लेते हैं, तो इसलिए ठीक इसलिए ये बड़ा जरूरी था कि सब लोग यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें। जिन लोगों ने सिर्फ हार्ड कॉपी दी उनके लिए भी जरूरी था कि यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी करें। 15 मार्च आपकी डेडलाइन थी टू थिंक अबाउट ठीक लिमिटेशंस, राइट। ये मैं आपसे दोबारा गो थ्रू कर रही हूँ कि आप लोगों ने एक लिमिटेशंस का एक पैराग्राफ ही लिखना था कि जो स्टडी आप लोग प्रपोज कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ लिमिटेड है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपकी स्टडी कवर नहीं कर रही, राइट। कल मैंने आपके ठीक है लिए मैम। ये मैंने कुछ चीजें यहाँ पे अपलोड की, ये मैं आपको आई वुड लाइक टू शो दीज थिंग्स टू यू। और बेसिकली आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको बतूल, आपको ये नजर आ रहा है? हाँ जी मैम आ रही हूँ। आप ये देख रही हैं कि ये मोर और लेस आपका टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ जी, ये ऊपर राइट कॉर्नर पे 1 लिखा हुआ है, राइट कॉर्नर पे पेज नंबर, और जी मैम। उसके साथ आप ये देख रहे हैं कि राइट साइड पे शॉर्ट टाइटल लिखा हुआ है, रांझा रांझा कर दी, जी, ठीक है। ये शॉर्ट टाइटल 2-3 वर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता, आपका तो पूरा जी टाइटल, आपके ड्रामे के पूरे नाम में सिर्फ 3 वर्ड्स थे, इसलिए मैंने तीनों लिख दिए, राइट। जी वरना आप जी यहाँ पे सिर्फ रांझा रांझा भी लिख सकते थे। अब जी आपको मेरी सजेशन ये है आप सब लोगों को कि आप गूगल क्लासरूम से ये फाइल डाउनलोड करें, राइट। जी और इस जी फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप इसके इसी के अंदर सिर्फ उतने वर्ड्स टाइप करें जितने, मतलब रांझा रांझा कर दी के आगे यहाँ पे आप ईयर लिखें, कौन से साल की प्रोडक्शन है, और बाकी का जो टाइटल था यहाँ पे लिखें, ठीक जी है। हमारे डिपार्टमेंट में रिसर्च कमेटी है,
सो यहाँ पे आपको लिखना है सबमिटेड टू डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आप लोगों से ये असाइनमेंट इस वक्त मैं ले रही हूँ, तो यहाँ पे आप सुपरवाइजर पे मेरा नाम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये लिखा हुआ है बतूल शाहिद, यहाँ पे अपना रोल नंबर आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सेशन गलत लिखा हुआ है, 2019-2021 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। दो साल का एमएस प्रोग्राम है आपकी, इसकी सबमिशन डेट है April 5, 2020, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखी हुई है, उसके नीचे लिखा, यहाँ आपने बीकन हाउस का लोगो लगाना है इस जगह पे, एड लोगो, और फिर लिखना है डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर फिल्म एंड टेलीविजन। आपको, आप सब लोगों को मेरी एक बेसिक सजेशन ये है कि जब आप लोग इसको कर रहे होंगे तो प्लीज जो आपके पास वर्ड में एक ऑप्शन होती है नॉर्मल, नो स्पेस वगैरह वगैरह की, राइट, तो प्लीज आप लोगों को मेरी सजेशन है कि आप नॉर्मल को बिल्कुल ना यूज करिएगा, ठीक है। नॉर्मल नहीं यूज करना, आप डबल स्पेस यूज करते हैं, नॉर्मल को नहीं यूज करना। उसके बाद पेज टू पे आपने, पेज टू को इस तरीके से आपने अपने कंटेंट्स की लिस्ट बनानी है, राइट। अब आपका टोटल प्रपोजल 8-10 सफे का होगा, आप ये भूल जाएं कि यहाँ पे 28 लिखे हुए जी। मैम 8 का क्या होगा, दोबारा बताइएगा। मैंने आपसे आपसे कहा कि आपका प्रपोजल 8-10 सफे का होगा, ये इस पे 28 का नंबर आप इग्नोर कर दें, ठीक है। आप लोग 8-10 सफे का लिखेंगे प्रपोजल, बहुत लिख लेंगे तो 15 सफे का लिख लेंगे, बट 8-10 पेजेस इज फाइन। सो पेज नंबर्स आपको जो आपको सूट करेंगे वो लिखेंगे जो आपके एक्चुअल होंगे, लेकिन आपके प्रपोजल में ये तमाम चीजें आएंगी, ठीक है। ये सिनॉप्सिस ऑफ स्टडी के बाद दो हेडिंग्स और आएंगी जो कि यहाँ पे लिखी भी नहीं है, वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ वो आपने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने मेथोडोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस या क्वेश्चंस, दोनों में से जो चीजें, तो आपको इस चीज पे मैंने आपको आपके एग्जाम क्वेश्चन में या प्रपोजल के क्वेश्चन में लिस्ट ऑफ आइटम्स दी हुई है, उनका इसी तरह एक कॉन्टेंट लिस्ट आप बना दें और उसको आप रेफरेंस पे खत्म करेंगे। अब आप जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो ये मैंने आपको लिख के दिया, रांझा रांझा कर दी ईयर, बाय के बाद डायरेक्टर का नाम लिखें, ठीक है। और आपने अभी या जो भी आपने इंट्रोडक्शन लिखा है उसको सिर्फ आर से लेके फुल स्टॉप से पहले तक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, वरना फॉर्मेटिंग खराब हो जाएगी। प्लीज ये याद रखिएगा कि अगर आप फुल स्टॉप के आगे एक भी स्पेस कॉपी करेंगे, सिंगल स्पेस भी, तो फिर ये फॉर्मेटिंग आप लूज कर देंगे, ठीक है। तो आपने 2-3 सफे का इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आपका जितना भी है, 2, 3, 4, 5, 7, 15 जितने सफे का है, आपने लिटरेचर रिव्यू, मैंने आपसे कहा था कि फॉर प्रपोजल 2-3 पेजेस इज फाइन, ठीक है जी। उसके बाद एक छोटा सा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की एक हेडिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके टॉपिक के लिए कौन सी थ्योरी सूटेबल है, ठीक है। आप इसको पर्सुएशन थ्योरी को इग्नोर कर दें जो आपके लिए सूटेबल है। आपके प्रपोजल में आपने अभी कल्टीवेशन थ्योरी लिखी हुई थी जी, ठीक है। और उसके अलावा भी कोई कोई सोशल थ्योरीज हो सकती हैं जो आप यूज कर सकती हैं। प्लीज ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो चीज कैप्स में आ रही है, इंट्रोडक्शन कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, वो कैपिटल ही, ये मेन हेडिंग्स हैं, सारी मेन हेडिंग्स कैपिटल में ही आएंगी, ठीक है। कल्टीवेशन थ्योरी जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की सब हेडिंग है, और जो सब हेडिंग है वो इस स्टाइल में आएगी, अपर लोअर में, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप इसी तरह वन बाय वन जो जो थ्योरीज आप मेंशन करना चाह रही हैं आपके लिए सूटेबल है वो लिखेंगे। जब आप कोई कोटेशन एग्जैक्टली कॉपी करते हैं तो आपको पता है कि ये इंडेंटेड पैराग्राफ में देनी है, ये आपकी की बॉर्डर था और ये आधा इंच अंदर है, राइट जी। और ये जो इंडेंटेड पैराग्राफ होता है, ये आपको जो इंडेंटेड पैराग्राफ नजर आ रहा है, ये कोटेशन थी, ये आपका जो पैराग्राफ चल रहा था ये कोटेशन उसका हिस्सा है। तो आप कोटेशन पे मैम इसमें कोटेशन मार्क्स दिए आपने?
नहीं, क्योंकि ये इंडेंटेड पैराग्राफ है, इंडेंटेड को कोटेशन नहीं चाहिए होती। अगर ये पैराग्राफ के अंदर होता तो ठीक है मैम, कोटेशन मार्क्स देते, अगर ये कोटेशन ठीक है मैम, मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखी होती फिर कोटेशन मार्क्स देते, ठीक है। क्योंकि ये खुद एक पैरा है, इंडेंटेड है, आधा इंच के फासले पे है, तो इसको कोटेशन मार्क्स नहीं चाहिए, ठीक है। मैम ये पैराग्राफ के अंदर हम नहीं लिख सकते, इसके लिए इंडेंटेड पैराग्राफ बनाना जरूरी है। अगर 40 वर्ड से ज्यादा है तो इंडेंटेड पैराग्राफ बनेगा। ठीक है मैम, कोटेशन की लिमिट होती है, अगर 40 वर्ड से कम वर्ड्स हैं तो पैराग्राफ के अंदर कोटेशन मार्क्स भी देंगे, और अगर 40 वर्ड से ज्यादा हैं तो फिर आप इंडेंटेड पैराग्राफ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पेज ठीक है नंबर, मैम, यहाँ पे आपको सिर्फ पेज नंबर नजर आ रहा है, क्योंकि वो मोर और लेस सेंटेंस ही एक चल रहा था, वरना ये जो आपका पीछे जो भी नाम था उसका नाम, ईयर और पेज नंबर तीनों चीजें आती हैं नॉर्मली। आपसे मैं ये कह रही थी कि इंडेंटेड पैराग्राफ पैराग्राफ का हिस्सा है, और आप कोटेशन पे पैराग्राफ नहीं खत्म करते, इसलिए ये दोबारा यहाँ से शुरू हो रहा है। और बतूल आपका जो पहला पैराग्राफ है थ्रू आउट, वो आप ये देखें कि आपको पहली लाइन इंडेंट करनी है हर पैराग्राफ की। आप ये देख रहे हैं कि आप ये 1.5 इंच है और ये पहली लाइन 2 इंच है जी, यहाँ साइड से, तो आपको पहली लाइन को आपने सिर्फ पुश करना है ताकि आपका पैराग्राफ जो है वो नजर आ सके, ठीक है। और आप बेसिकली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद आप रैशनल दे दें, यहीं पे किसी जगह आप एक लिमिटेशन, इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन लिमिटेशंस की भी एक इसी तरह मेन मेन हेडिंग बनाइएगा, ठीक है। तो मेन हेडिंग कैपिटल में आएगी और सब हेडिंग्स यहाँ पे, और अगर आप ऑब्जेक्टिव 1-2 करके भी लिख देंगी तो दैट इज ऑल्सो फाइन। उसके नीचे सिर्फ ये लिख दें कि ये इन ऑब्जेक्टिव से आप क्या चाह रही हैं, थोड़ा सा ब्रीफली, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपके आपके टेबल पे बात करती हूँ, जैसे आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा टू अनफोल्ड, टू एग्जामिन, टू एनालाइज। मिसाल के तौर पे आप लिख सकती थी टू एग्जामिन मैरिटल रेप इन रांझा रांझा कर दी, या प्रेजेंटेशन ऑफ डिपिक्शन ऑफ मैरिटल रेप इन रांझा रांझा कर दी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, या अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सोसाइटी। तो ये इतना ऑब्जेक्टिव काफी होता है फिल्म की एनालिसिस के लिए। आपको समझ में आया जी, ठीक है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे जाती हूँ आपके इस प्रपोजल के एंड पे, यहाँ पे आपने एक टेबल शायद दिया हुआ है, टेबल आपने अलग से अपलोड किया है जी मैम, वो अलग से अपलोडेड है। अच्छा, तो आपके टेबल को मैं खोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आपके एक चीज, अगर आपने अगर इंस्ट्रक्शंस पढ़ी होती हैं, आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस देखी थी असाइनमेंट 1 की, अहमद नबी जी मैम, असाइनमेंट 1 की इंस्ट्रक्शंस देखी थी आपने जी मैम, देखी थी। मुझे बताएंगे कि मैंने इंट्रोडक्शन में क्या चीजें मांगी थी मैम? मुझे याद नहीं, मैं जरूर अभी खोल के देखा बताता हूँ आपको। हाँ, आप उसको जरा थोड़ी सी कोशिश करें और मुझे बताने की कोशिश करें कि मैंने आपसे क्या चीजें मांगी थी। बतूल आपने यहीं पे टेबल अपलोड किया हुआ? मैम यहाँ पे भी किया हुआ, लेकिन मेरी दोनों अपडेटेड फाइल्स जो हैं रिसर्च प्रपोजल की भी, वो आपके पास मेल में है, मेरे पास यहाँ पे अपलोड नहीं हो रही थी, लेकिन अब मेरा ये मसला खत्म हो गया, हो गया मेरा, ठीक हो। ठहर जाए, मैं आपको असल में कुछ दिखाना चाह रही थी। मैं आपको ये अभी अभी मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ पे लिख सकती थी टू एग्जामिन मैरिटल रेप इन रांझा रांझा कर दी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आपने लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ ड्रामा एक्स वाई जी वगैरह वगैरह, आपको बहुत सिंपल सा लिखना है। अगर आप बैकड्रॉप ऑफ सोसाइटी ना लिखती टू एनालाइज मैरिटल रेप इन रांझा रांझा कर दी, तो फिर आप यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिखती ड्रामा, समझ आई जी। और जी। अगर आप लिखती हैं कि टू एग्जामिन मैरिटल रेप अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सोसाइटी, तो फिर आप यहाँ पे ड्रामा और सर्वे दोनों लिख सकती हैं, क्योंकि आपने बैकड्रॉप ऑफ सोसाइटी ऐड कर दिया ना। आपको आपको समझ आई मैंने क्या कहा है? तो अगर आप इतना मुख्तसर सा वो लिख रही हैं टू एग्जामिन मैरिटल रेप इन रांझा रांझा कर दी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सोसाइटी, तो आपके यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आपने सिर्फ ये लिखना है रांझा रांझा कर दी।
एनालिसिस ड्रामा लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आप नीचे सर्वे लिख सकती थी। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई है कि मैंने आपसे क्या कहा है? जी। और बाकी सब लोगों को भी समझ में आई कि क्या कहा है? यस मैम। ऑलराइट, मैंने आप लोगों yes, को क्लासरूम में मैंने आपसे बतूल का सर्वे क्वेश्चनर शेयर किया था। किसी के जहन में है कि सर्वे क्वेश्चनर में क्या चीजें थी? बतूल, आप परेशान तो नहीं हो रही मैं आपके का डेटा दिखा रही हूँ? नहीं 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 मैम। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये जो है ये ठीक है, इसमें मैं आपसे बतूल का, अगर किसी को याद नहीं है तो सर्वे क्वेश्चनर आपसे यहाँ पे पड़ा हुआ है बतूल, इसमें वो भी अपलोडेड है यहाँ पे अलग से, सेपरेटली अपलोडेड है। तो हमने अभी इसको खोला था बतूल शायद, राइट, ये है आपका सर्वे क्वेश्चनर। ठीक है, अब ये सर्वे क्वेश्चनर मैं आप लोगों से सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे शेयर कर रही हूँ कि बतूल ने क्या लिखा था यहाँ पे। बतूल, ये आप ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपसे क्या कह रही हूँ। ये आपकी इंस्ट्रक्शंस मुझे खासी पसंद आई, ठीक है, इस पे मेरे सिर्फ एक दो छोटे छोटे कमेंट्स थे, वो मैं आपको आपसे कोशिश करती हूँ आपको अभी बताने की कि आपने ये जो बहुत एक बहुत मामूली सी इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड होने वाली थी कि आपने ये लिखना था यहाँ पे वाइफ के बाद सेक्स विद वाइफ इन पाकिस्तान, आपने ये लिखा हुआ नॉन कंसेंसुअल सेक्स विद वाइफ, तो आप चूंकि ये इसको ओपन नहीं छोड़ रहे ना तो आप पाकिस्तान लिखेंगे इसके आगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपने पाकिस्तान भी लिख सकती हैं या आप ये भी लिख सकती हैं इस्लामिक सोसाइटी स्पेशली पाकिस्तान, तो मुझे बस इसमें ये यही एक चीज़ जो थी वो मुझे लगा कि आप ये लिख लेंगी तो आपका ये जो कवरिंग लेटर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो क्वेश्चंस डाले ये खासे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मोस्टली आपने एज जेंडर, मैं आखिर तक गई थी यहाँ पे तो सारे क्वेश्चन, सिर्फ आप बिल्कुल एंड पे जाके आप स्पेसिफिक क्वेश्चन शुरू करती हैं जो कि ड्रामे के बारे में जी, ऐसे जी। हाँ, आखिरी आखिरी आपके 12 क्वेश्चन जो हैं वो रांझा रांझा कर्दी के बारे में नहीं है, आपके आखिरी जो 3-4 क्वेश्चन हैं वो रांझा रांझा कर्दी के बारे में। तो मैं ये सोच रही थी कि जब आप आपका ऐसा ऑडियंस हो सकता है जिसने ये शायद ड्रामा देखा ही ना हो, राइट, सो उसके लिए फिर हमें हो सकता है इन क्वेश्चंस को किसी और तरीके से भी शायद देखना पड़े या किसी और तरीके से फ्रेम करना पड़े, क्योंकि इस क्वेश्चनर का मकसद था पब्लिक रिस्पॉन्स टू मैरिटल रेप, ऐसे ही है जी जी। तो आप सर्वे किस लिए कंडक्ट कर रही हैं? टू स्टडी पब्लिक रिस्पॉन्स टू मैरिटल रेप, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव आएगा टू स्टडी मैरिटल पब्लिक रिस्पॉन्स टू मैरिटल रेप। आपको मेरी बात समझ में आ गई कि आपके ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से होंगे, या अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखती तो यहाँ पे जो मैंने आपसे अगेंस्ट सोसाइटी का जो बैकग्राउंड लिखाया था, ठीक है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सोसाइटी, तो वो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा सिंगल ऑब्जेक्टिव के सामने, आपको शायद दूसरे ऑब्जेक्टिव की जरूरत ही ना पड़े। आपको समझ में आ गई मैंने क्या कहा है? मैम, ये लास्ट बात जो आपने बताई है सिंगल ऑब्जेक्टिव वाली, वो एक दफा दोबारा बता दें। देखें, आप जरूरी नहीं है कि आपके रिसर्च प्रपोजल्स में एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो, जरूरी नहीं है कि आप 10 ऑब्जेक्टिव्स लिखें, 10 क्वेश्चंस लिखें। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये लिखती हैं टू एग्जामिन मैरिटल रेप इन रांझा, डिपिक्शन ऑफ मैरिटल रेप इन रांझा रांझा कर दी, ठीक है, तो उसके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ ड्रामा होता, लेकिन जैसे ही आप ये लिखती हैं टू एग्जामिन मैरिटल रेप इन रांझा रांझा कर दी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सोसाइटी, तो आपके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में ड्रामे के अलावा सोसाइटी शामिल हो जाती है, ठीक है, तो दोनों सोर्सेस के लिए आपका टूल चेंज हो जाएगा ना। एक आपको आधा जवाब मिलेगा ड्रामे से और आधा जवाब मिलेगा सोसाइटी के सर्वे से,
तो मैं आपसे कहने का मतलब ये था कि एक ऑब्जेक्टिव के आगे आप एक से ज्यादा क्वेश्चंस लिख सकती हैं. सिंगल ऑब्जेक्टिव के आगे यू कैन राइट मोर देन वन क्वेश्चंस, ठीक है. सिंगल ऑब्जेक्टिव के आगे यू कैन राइट मोर देन वन थीसिस स्टेटमेंट्स. और जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी, योर थीसिस स्टेटमेंट टेल्स यू के, थीसिस स्टेटमेंट से आपको ये पता चलेगा कि जी मेरा ये जो आपका ये थीसिस स्टेटमेंट था ना, ये आपका यहाँ पे जैसे ही आपने यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखा, इसके सामने आपका वो क्वेश्चन आएगा जिस क्वेश्चन का ताल्लुक सर्वे से होगा, और वो क्वेश्चन आएगा जिसका ताल्लुक ड्रामे से होगा. तो आप यहाँ पे जिस तरह आपका क्वेश्चन एक था, उसी तरह आपका ऑब्जेक्टिव की तरह क्वेश्चन भी एक हो सकता है, लेकिन उसके आगे जैसे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दो होंगे, तो आपको एक ही सवाल का जवाब दो अलग अलग सोर्सेज से मिलेगा. ड्रामे के आगे आप कंटेंट एनालिसिस लिखेंगी, और सर्वे के आगे आप ये सर्वे क्वेश्चनर के आगे आप टूल सर्वे लिखेंगी, ठीक है. ठीक है, क्योंकि आपने अभी जो क्वेश्चनर, आई नो के हमने जो वो कुछ एक्सरसाइजेस की थी, मेरा ख्याल है कि हमने क्वेश्चनर की एक्सरसाइज जो है वो मिड टर्म से पहले कर ली थी, ऐसे ही है जी. सो बेसिकली आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में यहाँ पे सर्वे क्वेश्चनर लिखना था. आपने लिखा हुआ है इंटरव्यू ऑफ साइकेट्रिस्ट, इंटरव्यू ऑफ लॉयर, इंटरव्यू ऑफ सोशल वर्कर. तो मैं एक्चुअली ये सोच रही थी कि जो आपने ये वाले जो दो क्वेश्चंस लिखे हैं, ये क्वेश्चंस शायद बनते नहीं हैं, क्योंकि आपको अगर आप कह रही हैं कि इट इज़ लीगली करेक्ट, तो ये तो लीगल क्वेश्चन हुआ ना, इसका लीगल क्वेश्चन का तो लॉ ऑलरेडी बना हुआ होगा, तो वो आपका रिसर्च क्वेश्चन नहीं बना. अगर आप ये कह रही होती कि पब्लिक ये समझती है कि जी लीगली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो फिर आप पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन कर रही होती कि लॉ तो मौजूद है, पब्लिक को इस चीज़ की समझ आती है या नहीं आती. लेकिन इस क्वेश्चन में पब्लिक मौजूद नहीं है, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चनर में जा सकता है, लेकिन इस सफ़े पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए थे वो क्वेश्चंस, ये जो आपका क्वेश्चनर है, आप इस क्वेश्चनर के पीछे, मैंने आपसे कहा था कि टेबल में इस क्वेश्चनर के पीछे एक मेन क्वेश्चन होगा जो टेबल में जाएगा. प्लीज आप में से जिन लोगों के माइक्स ऑन हैं, आई वुड सजेस्ट कि अपने माइक्स ऑफ कर लें, जब तक मैं आप जब आपने बात करनी हो उस वक्त माइक ऑन करें, ठीक है. सो बतूल, आपसे चूंकि मैं बात कर रही थी, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि सर्वे क्वेश्चनर में जो आपके कितने क्वेश्चंस हैं, 15-16 क्वेश्चंस हैं, राइट, 16 क्वेश्चंस. आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि इन 16 क्वेश्चंस के पीछे देयर वॉज वन क्वेश्चन जो कि आपके टेबल में जा रहा था, ठीक है. एक की क्वेश्चन कि पब्लिक रिस्पॉन्स क्या है टू मैरिटल रेप इन पाकिस्तान, ठीक है, वो आपका क्वेश्चन था जो टेबल में जाएगा, और उसके उसको स्टडी करने के लिए आपने ये 16 क्वेश्चंस बनाए. सो आप टेबल में अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही होती या ऑब्जेक्टिव लिख रही होती, तो फिर आप ये लिख जी बोले. कौन, अहमद नबी बोलना चाह रहे हैं? किसी का कोई क्वेश्चन था इसके बारे में? ऑल राइट, सो मैं बेसिकली आपसे ये कह रही थी कि सर्वे क्वेश्चनर के पीछे यू हैड अ की क्वेश्चन के टू स्टडी, फॉर इंस्टेंस की ऑब्जेक्टिव टू स्टडी पब्लिक रिस्पॉन्स टू मैरिटल रेप इन पाकिस्तान, और तो उसके आगे आपका क्वेश्चन व्हाट इज पब्लिक रिस्पॉन्स टू मैरिटल रेप इन पाकिस्तान, एंड देन यू हैव दिस सर्वे क्वेश्चनर. सो बेसिकली ये बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है कि इस सर्वे क्वेश्चनर के पीछे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो इस टेबल में जाएगा. बतूल, कोई और क्वेश्चन है आपका?
नहीं मैम अभी तो नहीं है, लेकिन मैं अभी इसे दोबारा इसे गो थ्रू करती हूँ अपने सारे रिसर्च प्रपोजल को, फिर मैं आपसे पूछ लूंगी। अच्छा ठीक है। सो मैं आप लोगों को एग्जांपल ये इसी वजह से दे रही थी क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब मैंने ये देखा है फॉर इंस्टेंस फारूक के पास बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। प्लीज आपके क्वेश्चन सेपरेट ही होंगे, आपके क्वेश्चन एक जैसे नहीं हो सकते क्योंकि आप लोगों की इंडिविजुअल अपनी अपनी अपना अपना आइडिया है ना कि व्हाट यू वांट टू स्टडी, राइट। सो बेसिकली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके प्रपोजल्स में ये चीज़ें फ़र्क आएंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपके इसमें फ्लो बहुत अच्छा है, जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा ये फ्लो, इसकी क्वालिटी ये है कि इंट्रोडक्शन में फ़्लो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप पहुंचती हैं लिटरेचर रिव्यू पे तो वो क्वालिटी जो आपने इंट्रोडक्शन में दी थी वो क्वालिटी लिटरेचर रिव्यू में उतना अच्छा फ्लो नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन का फ्लो बहुत अच्छा है, तो आप फाइनल तक उसका फ्लो इंप्रूव कर सकते हैं। और आप मैम जो मेरी अपडेटेड फाइल्स हैं जो मैंने आपको मेल की थी उसमें मैंने लिटरेचर रिव्यू का सारा वो चेंज कर दिया हुआ है। ओहो, आप लोगों से मेरी एक सिर्फ एक प्लीज ये याद रखिएगा कि आप लोग उसको मेल ना किया करें, आप उसको सिर्फ गूगल क्लासरूम में डाला करें, क्योंकि मेल मुझे बहुत ज्यादा आती है, बहुत सारे और लोगों से भी आती है, जबकि गूगल क्लासरूम में आप लोगों का एग्जाम सिर्फ एक जगह पे होता है। और आतिर ने गूगल क्लासरूम में जो सबकी लेटेस्ट फाइल्स थी, आतिर ने मुझे सिर्फ लेटेस्ट फाइल्स गूगल क्लासरूम से प्रिंट करके दी, ठीक है। सो अभी आज की डिस्कशन के बाद आप जो भी अपना अपडेट करेंगी वो आप फाइनल सबमिशन से पहले एक दफा मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी जो है वो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा रही थी, मैं आपसे ये कही थी कि आप इसको इस फॉर्मेटिंग के साथ प्लीज टाइप करें, जो चीज़ कैपिटल में है वो कैपिटल में करें, जो चीज़ अपर लोअर में है वो अपर में करें, और जो आइटैलिक्स में है वो आइटैलिक्स में करें। ये रांझा रांझा कर दी मैंने ड्रामे के नाम की वजह से आइटैलिक्स कर दिया, वरना जो शॉर्ट नेम है उसका आइटैलिक्स में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब आप रैशनल और ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप क्वेश्चंस डालेंगे, यहाँ पे नहीं आए क्वेश्चंस, प्लीज आप ये नोट कर लें कि ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप क्वेश्चंस या थीसिस स्टेटमेंट्स डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप रिसर्च मेथडोलॉजी पे जाएंगे। सो आपका 5th अप्रैल तक आई वांट कि आप ये रिसर्च मेथडोलॉजी वाला सेक्शन कंप्लीट करके फाइनल प्रपोजल का ड्राफ्ट अपलोड 5 अप्रैल तक कर दें, ताकि जिन लोगों ने अभी तक मुख्तलिफ असाइनमेंट्स मिस की हैं, मिड में कुछ सबमिशंस आ गई थी, राइट। सो बेसिकली जिन्होंने मिस की हैं वो ये चीज़ें सेक्शंस रह गए, ये सेक्शन सब ने ऐड करने हैं, क्योंकि हम कोर्स वर्क में हम सैम्पलिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1st of March को, और चूँकि सैम्पलिंग पढ़ चुके हैं तो मेथडोलॉजी में आप बेसिकली ये जो आपने टेबल में चीज़ें लिखी थी यहाँ पे, उसी से आप वापस जा रहे हैं टू राइट योर मेथडोलॉजी, जिसमें आपने ये लिखा कि आपने मिसाल के तौर पे अभी आपके पास आपके टेबल में 2 मेथड अगर नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक मेथड है एनालिसिस ऑफ ड्रामा और दूसरा मेथड है सर्वे, ऑल राइट। तो अगर एक से ज़्यादा मेथड होगा तो उसको हम फिर कहते हैं ट्राइंगुलेशन ऑफ मेथड्स, ऑल राइट। तो जब भी एक से ज़्यादा मेथड होगा तो ट्राइंगुलेशन ऑफ मेथड्स कहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा द रिसर्च यूजेस ट्राइंगुलेशन ऑफ मेथड्स विच आर, आप यहाँ पे लिख सकती हैं जो भी आपका मेथड है, कॉन्टेंट एनालिसिस ऑफ रांझा रांझा कर दी एंड सर्वे ऑफ पब्लिक एट लार्ज, जो भी आपने लिखना है। सो उसको आपने ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करना है। अगर आप उसकी कोई ड्राइंग बना लेंगी तो आप इसी तरह फिगर 1 कर दीजिएगा उसको, और नीचे वो ड्राइंग डाल भी सकते हैं। ड्राइंग अगर आप बनाएंगी तो ड्राइंग एक्चुअली ये शो कर रहा होगा कि वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। फॉर इंस्टेंस आपको लगता है कि ड्रामा देख कर पब्लिक इन्फ्लुएंस होती है मैरिटल रेप के कॉन्सेप्ट पे, तो देन यू वुड से के पब्लिक ओपिनियन जो है वो प्रॉबेबली जो आपका एक क्योंकि टीवी चैनल जो भी कर रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ड्रामा से जो आ रहा है। सॉरी सॉरी
ठीक है। डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका माइक्रोफोन ऑफ होने वाला है। अच्छा जी, ये ऑफ नहीं? जी जी आपका माइक ऑन है। सो ओके सॉरी। हाँ नहीं, दैट्स परफेक्टली, दैट्स परफेक्टली फाइन। ओके ओके जी, ये डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन भी साथ साथ लेती जाएं। जी जी बताइए, जी जी बताइए। डॉक्टर साहब के जो फिल्म एनालिसिस है जी जी, या ड्रामा एनालिसिस है जो आपने, एक तो ये है ना कि पब्लिक रिस्पांस है, एक जो एनालिसिस है, तो उसके अंदर भी हम, हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है और दूसरी चीजें होती हैं, तो वो उसी तरह से हम करेंगे क्योंकि ये तो फर्क हो जाएगा। डॉक्टर साहब इस पे एक सेकंड में आती हूँ, एक मिनट में आपके अटेंडेंस ले लूं। कौन है जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी? अहमद मसूद प्लीज अपना माइक। अली हैदर, अली हैदर बतूल जी मैम, फारूक मोहम्मद अली, मोहम्मद अली यस मैम, अच्छा निब्रास, रमला मैम मेरी भी, किसकी? सैफ, सैफ सैफ सैफुल्ला, हेलो जी जी मैम, सैयद नबी आपकी लग गई, सैयद नबी तैमूर क्या नहीं। ओके निब्रास आज भी गायब है, सुफियान भी है मेरे ख्याल से यहाँ पे, सुफी सबकी लगी हुई है सिवाय निब्रास के। ऑल राइट डॉक्टर साहब, ये असल में जो आपका क्वेश्चन था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में मेथोडोलॉजी के हवाले से, क्योंकि उसमें तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आ जाएगा ना, यानी थ्योरी आ जाएगी एज ए मेथोडोलॉजी या आप जैसा कहें। नहीं वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है, देखें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो तो इन सारों के लिए चाहिए होगा, चाहे वो क्वांटिटेटिव स्टडी है या क्वालिटेटिव है। सो बेसिकली जो भी सर्वे प्रपोजल लिख रहा है वो जरा सोच समझ के लिखेगा कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, बस फर्क सिर्फ इतना है कि क्वांटिटेटिव के लिए आपको जो है जैसे लिटरेचर रिव्यू पहले करना पड़ेगा। जी जी, क्वालिटेटिव का लिटरेचर रिव्यू साथ साथ हो सकता है, लेकिन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में तो हम वो दोनों थ्योरीज यहाँ पे जो भी आपको एप्लीकेबल है फॉर क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, आपका अगर सिंगल मेथड भी है तो आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और लिटरेचर रिव्यू तो देना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो वो ये सारी हेडिंग्स तो डेफिनेटली आएंगी। मैं एक्चुअली सिर्फ यहाँ पे बात कर रही थी अभी ट्रायंगुलेशन की, क्योंकि हमने सारे स्टूडेंट्स के साथ एक सर्वे क्वेश्चनियर की एक एक्सरसाइज की, और क्वेश्चनियर को हमने सिर्फ ये किया कि क्वेश्चनियर्स के लिए हमने ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। तो वो चूंकि इस वक्त चूंकि लोगों ने क्वेश्चनियर भी बनाया, जिन्होंने कंटेंट एनालिसिस इनिशियली राइटिंग शुरू की थी उन्होंने भी सर्वे की एक्सरसाइज की, राइट। तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि जिन लोगों ने जो भी एक से ज्यादा मेथड यूज करेगा या लिखेगा वो कहेगा ट्रायंगुलेशन ऑफ मेथड्स, जिसमें मेथड वन कंटेंट एनालिसिस ऑफ ड्रामा एंड मेथड टू वुड बी प्रोबेबली सर्वे ऑफ यू नो लाइक पब्लिक एट लार्ज टू जो भी रिसर्च क्वेश्चन था, ठीक है, टू स्टडी देयर रिस्पॉन्स। तो इसमें फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी के नीचे ब्रीफली लिखा हुआ है कि कंटेंट एनालिसिस क्यों करेंगे या सर्वे क्यों करेंगे, किस पर्पस से कर रहे हैं। प्लीज मैंने ये हेडिंग्स आप लोगों को ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हेडिंग्स मैंने आप लोगों को इसलिए ये एक सैंपल बना के दिया ताकि आप इसको मिस ना करें, इनमें से कोई भी हेडिंग प्रपोजल राइटिंग में मिस ना करें। सैम्पलिंग को हमने 1st of March को पढ़ लिया था, जिसमें हमारे फॉर इंस्टेंस ये था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम लोगों को कहाँ से लेंगे, BNU का यूथ जवाब दे रहा होगा, महल्ले की औरतें जवाब दे रही होंगी, या कॉरपोरेट सेक्टर से कोई जवाब दे रहा होगा, पढ़े लिखे लोग। सो हमें बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सैम्पलिंग, सैंपल में अगर हम सर्वे और कंटेंट एनालिसिस दोनों बात कर रहे हैं तो हमें दो सैंपल्स बताने पड़ेंगे, और अगर हम सिर्फ कंटेंट एनालिसिस ऑफ रांझा रांझा करदी बता रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही सैंपल के बारे में लिखेंगे कि जी हमने रांझा रांझा करदी को कन्वीनियंट सैंपलिंग के थ्रू पिक कर लिया
और इस ड्रामे को हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. सो यहाँ पे पब्लिक के दो तीन फीचर्स लिखे हुए हैं, अगर ये आपसे रेलेवेंट है तो आप ये लिखेंगे, वरना ये नहीं लिखेंगे आप. ठीक है, तो सैंपल में आपने सैंपल में या तो आप लिखेंगे कि जी मेरी सैंपल फिल्म है या ड्रामा है, और या फिर सैंपल में आप लिखेंगे कि जी मेरे सैंपल में 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 1200 लोग हैं. बीएनयू के जी सैंपल में रिसर्च पेपर्स भी हो सकते हैं, रेलेवेंट रिसर्च पेपर. नहीं, वो आप मेटा एनालिसिस तो हम नहीं कर रहे ना. हमने आप लोगों से मैंने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जिसका ताल्लुक ये हो कि पास्ट की स्टडीज हैं 20 30 40 50, आप उन सारी स्टडीज को उठा के एक सिंगल एनालिसिस बना दें. वो तो बहुत बहुत एडवांस्ड काम है, और अभी हम जो इनिशियल कुछ काम कर लें तो मेरा ख्याल है कि वो तो आपके काफ़ी सारे टीचर्स ने भी शायद ना किया हो. फिर लोगों की अपने इंटरेस्ट एरियाज होते हैं तो वो मेटा एनालिसिस की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वो नए नए टॉपिक्स पे रिसर्च करते रहते हैं. तो किसी एक टॉपिक के ऊपर, फॉर इंस्टेंस, कोई भी किसी ने मेरा ख्याल आज तक ये नहीं किया कि विजुअल प्लेजर पे अगर 30 पेपर्स लिखे हैं तो 30 पेपर्स उठा के उनकी एक एनालिसिस लिखते. तो आपको 30 पेपर्स में से 30 डायमेंशंस को लेके एक वो लिखना पड़ेगा. तो आप सैंपल को आप जो है आपकी सैंपल में मिसाल के तौर पे, अभी चूंकि मैंने इसका टाइटल रख दिया था रांझा रांझा कर दी, तो आप यहाँ पे सैंपल लिखेंगे कि जी मेरे सैंपल पे सिर्फ एक टीवी ड्रामा है जिसका नाम है रांझा रांझा कर दी. उसके बाद सैंपलिंग टेक्निक में आप लिखेंगे कि ये ड्रामा आपको कहाँ से मिला. तो आप कहेंगे सैंपल में आप ये भी लिख सकते हैं कि ड्रामे के 25 30 40 जितने एपिसोड्स थे वो मेरा सैंपल है, और या फिर एक स्पेसिफिक एपिसोड जिसमें वो इंसिडेंट था, और उसके बाद दो चार एपिसोड्स जिसमें उस इंसिडेंट की डिस्कशन हुई. राइट, तो अगर वो इशू रांझा रांझा कर दी में वो सास बहू जो हैं वो दो तीन चार एपिसोड्स में बार बार वो डिस्कस होता रहा, तो फिर आप कह सकते हैं कि जी एपिसोड 19 से एपिसोड 27 तक जो है वो मेरे सैंपल में शामिल है. ठीक है, और या फिर आप ये लिख सकते हैं कि जी मेरा एक ही सैंपल है जिसका नाम है रांझा रांझा कर दिया और इसके 29 एपिसोड्स हैं एक्सेट्रा. तो दैट विल एक्चुअली जैसे अब हम मेरी जो है वो फिल्म है, फिल्म कह रहे डॉक्यूमेंट्री है, तो उसके अंदर प्रोपेगेंडा थ्योरी यूज हो रही है. अहमद नबी एक मिनट ठहर जाइए. जी जी. आप अगर थ्योरी की बात कर रहे हैं ना तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो पीछे रह गया, हमें वापस जी जी. वापस जाना पड़ेगा. नहीं, नहीं. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मैं इसी के ऊपर ही रहा था बेसिकली आगे उस पे कि मतलब विधान में जो प्रोपेगेंडा थ्योरी यूज हो रही है, लेकिन एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि मेरा जो ये एनालिसिस डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसकी मेथडोलॉजी में मैंने क्या लिखा. आपका जो था, देखें आपने उसके मेथड, आपकी फिल्म है क्या नाम है उसका, आर्म विद फेट 2017. तो आप यहाँ लिखेंगे कि मेरी सैंपल में फिल्म है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम है आर्म विद फेथ 2017 व्हाटएवर. जी, आप सिंपल यही रखेंगे कि मैं कन्वीनियंट सैंपलिंग कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक फिल्म है. आर्म विद फेथ की तरह की 10 फिल्म तो नहीं उठा रहे ना आप. सपोज कि आप किसी किस्म की 10 फिल्म उठा रहे होते या 2 या 3 उठा रहे होते तो आप ये कह सकते थे कि 2017 में जितनी फिल्म वो सारा मेरा सैंपल है. ठीक है, ठीक है. या ये कि मैं सिर्फ एक ही फिल्म पे काम कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे सिर्फ ये लिखेंगे कि आर्म विद फेथ इज द सैंपल. ठीक है मैम. ठीक है, तो आपने सिर्फ अपने सैंपल को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि मेरा सैंपल है क्या. मिसाल के तौर पे अगर सैंपल पीपल होते तो फिर आप कहते हैं कि जी ये औरतें हैं या मर्द हैं, ये किस एज ग्रुप की हैं. आप सिर्फ जैसे बतूल के केस में कि जी मैं सिर्फ मैरिड वेमेन का सर्वे करना चाहती हूँ, लेकिन बतूल ने अनमैरिड डाला हुआ है उसके अंदर. ठीक है, तो जैसे ही आप अनमैरिड डालेंगे तो फिर आपका मकसद असल में कुछ और है. आप प्रॉबली मेचोरिटी और अवेयरनेस चेक करना चाह रहे हैं कि चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपको इस प्रॉब्लम के बारे में पता है कि नहीं पता.
ठीक है तो अगर मैं क्योंकि बजाहिर तो मैंने उस दिन क्लास में भी कहा था कि ये क्वेश्चन बनता है कि आप अनमैरिड से क्यों करना चाहते हैं सर्वे, क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट मैरिटल रेप, तो जिस बंदे का मैरिज का एक्सपीरियंस ही नहीं है उस उससे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी आपका टाइम लग रहा है ना, आपका टाइम लग रहा है, अनलेस ये कि ऑनलाइन सर्वे है तो शायद आपका टाइम उस तरह नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप इंटरव्यूज कर रहे होते और मैरिड और अनमैरिड दोनों को कर रहे होते तो देन यू हैव टू रिकंसिडर कि आपको अनमैरिड का क्यों चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मैरिटल रेप पे है, राइट? सो जो भी अगर अनमैरिड को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो फिर आप वजह बताएंगे कि अनमैरिड को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने सिर्फ आर्म्ड विद फेथ के जी मेरे सैंपल में सिर्फ आर्म्ड विद फेथ है, आपने एक उसका मैंने आपसे एक सर्वे क्वेश्चनर बनवाया था उस दिन, आपने बनाया था आर्म्ड विद फेथ का कोई क्वेश्चनर? मैम आर्म्ड विद फेथ का नहीं बनाया था, हमने जो था वो क्वेश्चनर टॉपिक हमारा कुछ और था, लेकिन क्वेश्चनर बनाया था, राइट? लेकिन मैंने आप लोगों से एक बात कही थी क्लास में, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर, और वो आपके लिए भी थी, कि अगर सपोज कि आपका टॉपिक आर्म्ड विद फेथ है और प्रोपेगेंडा है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप अपने लिए एक पब्लिक क्वेश्चनर बना लेते हैं, ठीक है, कि मैं ये क्वेश्चनर पब्लिक के लिए है, तो मैंने आपसे कहा था कि आपकी क्वालिटी ऑफ योर इंट्रोडक्शन विल इम्प्रूव, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके जहन में पब्लिक के हवाले से आ रहे हैं शायद आपकी उनको फिल्म एनालिसिस में भी जरूरत पड़ेगी कुछ चीजों की ना, क्योंकि जब हम कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है तो आप इसको 1% के एंड से लिखते हैं ना, यू आर द वन हु इज राइटिंग क्वालिटेटिव, एक्चुअली क्वालिटेटिव में जब एक बंदे की एनालिसिस होती है तो उससे दूसरे बंदे के डिसएग्री करने का चांस काफी ज्यादा रहता है, तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडली सोचेंगे तो आपका क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक सैंपल वन इज योर फिल्म, सैंपल टू कैन बी पब्लिक, ठीक है, मींस कि आप दो मेथड सोच रहे हैं ना, तो सैंपलिंग को आप इसी तरह अपर लोअर में लिखेंगे, मैंने आपसे कहा है कि प्लीज इसी को डाउनलोड करके इसमें लिख लें ताकि आपकी फॉर्मेटिंग के इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएं, और पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन इंडेंटेड रहेगी 1/2 inch, ठीक है? ठीक है। और सैंपलिंग टेक्निक, आपको फिल्म कहाँ से मिली या ड्रामा कहाँ से मिला, तो आप कहेंगे कि जी मैंने तो इसको यूट्यूब से डाउनलोड किया या हॉल रोड से जाके डीवीडी ली, जो भी आपको सूट करती है, या सिनेमा में देखी फिल्म एक्सेट्रा, तो आपने आपने यूट्यूब से ली, आपने इतने सारे और मेथड्स हैं फिल्म को डाउनलोड करने का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जी मैंने फिल्म को डाउनलोड किया। अगर आप ऑडियंस सर्वे कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि जी मैंने तो सैम्पलिंग इस तरीके से की कि मैंने आप लोगों से कहा था कि फेसबुक पे आप अपलोड कर दें, ठीक है? जी, तो आप ये लिखेंगे कि अगर सर्वे आपने फेसबुक पे डाल दिया तो कौन से लोग, आप कह रहे हैं कि जी सैम्पलिंग टेक्निक थी कि मेरे हमारे फेसबुक पे इतने सारे लोग मौजूद हैं जिसमें मेरे फ्रेंड्स मोस्टली यूथ है, फॉर इंस्टेंस आपके फ्रेंड्स मोस्टली यूथ है, आपके फ्रेंड्स में फेसबुक पे बुड्ढे लोग कितने हैं या सारे यंग लोग हैं मोस्टली? कम होंगे, राइट? मोस्टली यंग लोग होंगे, राइट? जब मोस्टली यंग लोग हैं तो फिर आप यहाँ पे सैंपलिंग टेक्निक में बता रहे हैं कि मेरी फेसबुक पे इस तरह के लोग हैं और उसमें मोस्टली यंग हैं, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ये सर्वे शेयर किया। अगर सपोज करें कि आपने प्राइवेटली शेयर किया तो फिर आप ये लिखेंगे कि मैंने तो मुझे ये लगा कि इस तरह के लोग जो थे, लेकिन आप सिलेक्टिव नहीं जा सकते ना, आपको उसको अगर आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे जा रहे हैं एनीबडी शुड रिस्पॉन्ड, तो फिर आप उसको ओपन छोड़ेंगे कि मैंने सर्वे ऑनलाइन कर दिया और जितने भी लोग थे उन्होंने फिर जिन्होंने इसको देखा उसको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है? तो फिल्म के केस में आप ये लिख रहे हैं कि मैंने फिल्म को यूट्यूब से डाउनलोड किया, सैंपलिंग टेक्निक या ड्रामे के एपिसोड्स मुझे यूट्यूब पे मिल गए, ठीक है? डॉक्टर साहब आपको माइक दोबारा बंद करना पड़ेगा। पत्नी क्या मसला हो रहा है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा, जब आप बात करना चाह रहे हैं तो उस वक्त आप इसको खोल लें, ठीक है? तो मैं बेसिकली ये कह रही थी कि आपको सैंपलिंग टेक्निक में सिंपली ये लिखना है कि जी मैंने ये सैंपल कहाँ से लिया, अगर वो ड्रामा है तो मैंने यूट्यूब से लिया फॉर इंस्टेंस, और अगर वो पब्लिक है
तो पब्लिक में भी आप यहाँ पे फिर ये लिख रहे होंगे कि मैंने रजिस्ट्रार से, बीएनयू के रजिस्ट्रार से या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मैंने टीएफटी के स्टूडेंट्स की लिस्ट ले ली और उन सारे स्टूडेंट्स को ये मैंने सर्वे ऑनलाइन भेज दिया. तो सैम्पलिंग टेक्निक में आप सिर्फ यही लिख रहे हैं कि ये मैंने सैम्पल को कैसे सिलेक्ट किया और उस सैम्पल को आप पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि वो सैम्पल कौन लोग हैं और किस तरह के हैं. उसके बाद आपने लिखा कि कितने लोग हैं, सैम्पल साइज कितना है. मिसाल के तौर पे सर्वे आपने 100 लोगों को दिया या 600 लोगों को दिया या 1000 लोगों को दिया. और फिल्म के केस में, आर्म्ड विद फेथ के केस में सैंपल साइज में आप क्या लिखेंगे अहमद नबी? जी अहमद नबी, जी अहमद नबी बतूल, आप क्या लिखेंगी अपने केस में? मैं कह रहा था मेरा सैंपल साइज फिल्म ही होगा. हाँ, तो जब सैंपल साइज फिल्म होगा तो साइज क्या लिखेंगे? 600 तो नहीं लिखेंगे मैम, वो जो ड्यूरेशन है गेस, वही लिखूंगा. तो आप लिखेंगे नहीं, नहीं, कितने लोगों को भेजा आप? नहीं, सैंपल साइज लोगों के केसेस में कितने लोगों को भेजा है, लेकिन अगर आपका सैंपल, अगर सैंपल फिल्म है तो वन फिल्म जी. आप उसको लिखेंगे वन फिल्म, नॉट ड्यूरेशन नहीं लिखनी इसमें. आपने सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है कि वन फिल्म और उसका नाम चाहे तो लिख दें जस्ट 01 फिल्म आर्म्ड विद फेथ, इस तरह करके लिखते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप जी बतूल, आप मैं उसमें ड्रामा की वो एपिसोड लिखूंगी जिसमें वो मैरिटल रेप है जिसका. देखिए, मैरिटल रेप वैसे तो आप सारे एपिसोड्स भी लिख सकती हैं कि मेरे लिए 29 एपिसोड्स इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उन 29 आपको बेसिकली प्रिमेरली तो वो चाहिए जहां से मैरिटल रेप की डिस्कशन शुरू होती है. ठीक है जी. तो मैरिटल रेप की डिस्कशन सपोज के एपिसोड 19-22 है, सपोज 19-22 है, तो आपको तो एक्चुअली सिर्फ वो ही चाहिए ना, चार एपिसोड्स चाहिए. लेकिन आप चार के बजाय 29 भी लिख सकती हैं अगर आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए. ठीक है, लेकिन प्रिमेरली आपको 4 चाहिए, जो आप कह सकती हैं कि फ्रॉम एपिसोड 19, ये मैं फॉर इंस्टेंस कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन से एपिसोड में था रेप सीन. तो आप, लेकिन आपको कम अज कम वो एपिसोड और उसके फॉलोइंग एपिसोड जिनमें रेप, मैरिटल रेप की डिस्कशन होती रही, वो यहाँ पे आप सैंपल साइज में वो 4-5 एपिसोड तो लिखेंगी ही. और उसको बस थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगी कि वो 4-5 एपिसोड में एक्चुअली क्या हो रहा है. ठीक है. अच्छा, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है अभी जस्ट नाउ किसी को, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही सैंपल के हवाले से लिखा हुआ था. ठीक है, लेकिन जो कि ये सैंपलिंग सिर्फ सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है. अगर आपने सैंपलिंग फिल्म और सर्वे दोनों के हिसाब से लिखनी है तो फिर आपको दो लिखनी पड़ेंगी. आप लिखेंगे सैंपल 1 ड्रामा रांझा रांझा कर दी, सैंपल 2 पब्लिक एट लार्ज जिसका आप सर्वे कर रहे हैं. फिर आप लिखेंगे सैंपलिंग टेक्निक 1, आप लिखेंगे कि जी यूट्यूब से मैंने ये ड्रामा डाउनलोड किया, राइट. और सैंपलिंग टेक्निक 2, सैंपलिंग टेक्निक 2 मैंने अपनी फेसबुक पे लोगों को ये भेज दिया. ठीक है, नवीन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन हम नहीं हमने कर ली, क्लास हो रही है उस वक्त कोई मेरा ख्याल प्रॉब्लम हुई थी, बट नाउ इट्स सॉर्टेड. ठीक है, थैंक यू. हैंगआउट्स पे थी, हो गई है, आपको हमने बुलाया था. ओके, ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू. सॉरी, वो आईटी वालों का फोन आ रहा था, क्योंकि उस वक्त समबडी सेट के उसको आवाज नहीं आ रही, तो आईटी वालों को मैंने फौरन कांटेक्ट किया था. राइट, अभी कोई क्वेश्चन है आपका बतूल? ठीक है, मैंने सिंपली इतना कहा है कि सैंपलिंग में अगर आपके दो सैंपल्स हैं तो आप सैंपल 1 एंड सैंपल 2 लिखेंगे, सैंपलिंग टेक्निक 1 एंड सैंपलिंग टेक्निक 2 लिखेंगे, सैंपल साइज 1 एंड सैंपल साइज 2 लिखेंगे. राइट, आप यहाँ पे सिर्फ शुरू में कह देंगे कि हियर बिलो आई एम डिस्क्राइबिंग, जो भी आप लिख रहे हैं कि दो सैंपल्स की आपके बारे में आप बता रहे हैं, जो कि सैंपल 1 इज योर प्ले और प्ले और फिल्म एंड सैंपल 2 इज पब्लिक एट लार्ज एक्सेट्रा जिनका आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद सैंपल 1 सैंपल 2 करके आप उसको लिख देंगे. उसके नीचे लिखा हुआ है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो आपने जिन लोगों को फॉर इंस्टेंस सर्वे भेजा था,
ये लोग कहाँ पे पाए जाते हैं? आपने उन औरतों को दिया मैरिटल रेप पे सर्वे जो फॉर इंस्टेंस हाउसवाइफ्स हैं, वर्किंग विमेन है या कुछ और हैं? तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे दो तीन हेडिंग्स बना दें, चाहे तो सिर्फ एक पैराग्राफ लिख दें और उसमें लिख दें कि मैंने ये मैरिटल रेप का सर्वे जो है वो वर्किंग विमेन, हाउसवाइफ्स, कॉलेज गर्ल्स और कॉलेज बॉयज, मैन विमेन, यूथ, हर तरह के लोगों को भेजा है। बस आपने सिर्फ ये लिखना है कि वो लोग कहाँ पाए जाते हैं, वेयर आर दिस पीपल, मतलब हाउसवाइफ्स हैं या वर्किंग विमेन हैं या कॉरपोरेट सेक्टर के मेल्स हैं या कॉलेज के मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स हैं। बस आपने सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि वेयर टू फाइंड योर दिस, जो भी आपका सर्वे था उसके ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है? सो आपने सिर्फ ये लिखना है कि जो लोग सर्वे को फिल कर रहे हैं वो लोग कहाँ पे हैं, वेयर आर दे, वेयर इज योर सैंपल फाउंड, ठीक है? और फिल्म के केस में यू कैन प्रोबेबली राइट हियर के जी ये यूट्यूब पे थी जिसको हजारों लोग देखते हैं और ओवरनाइट लाख लोगों की वो रीडरशिप आ जाती, व्यूअरशिप आ जाती है एक्सेट्रा। तो आप सिर्फ ये कह सकती हैं कि जी ये मैंने उसको आई फाउंड इट यूट्यूब पे भी मिलती है और मुख्तलिफ जगहों पे पाई जाती है और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पाया जाता है, इसको लोग देख रहे होते हैं थ्रू दिस चैनल। तो आप सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ यही कह रहे हैं वेयर टू फाइंड योर प्ले और वेयर टू फाइंड योर रिस्पॉन्डेंट, ठीक है? ठीक है, उसके आगे ये लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आप ये देखें ये टूल जो है, ये जो टूल लिखा हुआ है इसको इंस्ट्रूमेंट, इसका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? सो मिसाल के तौर पे आप इसमें आप कह रहे हैं कि मैंने सर्वे क्वेश्चनेयर बना लिया, तो जो सर्वे है वो आपका टूल है। आप फिल्म को एनालाइज कर रहे हैं तो कंटेंट एनालिसिस इज योर टूल। आप देख रही हैं आपका ये जो टेबल है वो एक्चुअली इस डॉक्यूमेंट में चेंज हो रहा है जिसको मैंने आपसे कहा था कि मेथोडोलॉजी है। तो मैम जो इसमें इंटरव्यूज हैं वो भी टूल में आएंगे? यहाँ पे आप सर्वे के बजाय इंटरव्यू लिख देंगे ना बतूल। मैं आपको आपके आपको असल में मैं ये वाला डॉक्यूमेंट खत्म कर लूँ तो फिर मैं आपको आई विल ट्राई टेलिंग यू कि आपके प्रोपोजल जो आपने अभी तक इंट्रोडक्शन लिखा है और उसमें और टेबल में कुछ चीज़ें एक दूसरे से टैली नहीं कर रही, ठीक है? वो मिसाल के तौर पे आप ये देख रही हैं कि यहाँ पे आपने लिखा इंटरव्यू, यहाँ पे आपने लिखा लॉयर, देख रही हैं यहाँ पे आपने लॉयर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने साइकेट्रिस्ट लिख दिया, लॉयर लिख दिया, कहीं पे आपने डॉक्टर्स भी लिखा हुआ है, ठीक है? सो बेसिकली अगर आप इन लोगों को, अगर आपके सैंपल में लॉयर्स, डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट हैं तो आपको इसमें इंट्रोडक्शन में बताना पड़ेगा कि इस इंट्रोडक्शन में आपको ये कहना पड़ेगा कि जी मेरे एक तो मैं ड्रामा एनालाइज कर रही हूँ और दूसरा मैं इन लोगों के इंटरव्यूज कर रही हूँ इस इंट्रोडक्शन में, दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू योर स्टडी, ठीक है? तो आपको फिर इन सारे लोगों को, तो ये टेबल जो है मैंने आप लोगों ने जो मैंने अहमद नबी से थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि उसको इंस्ट्रक्शंस याद हैं उसकी असाइनमेंट वन की, अहमद नबी आपको जवाब मिल गया? मैम मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने पढ़ी जरूर थी और मैंने बनाया हुआ भी अपना टेबल है, आप वो देख लें अगर उसमें फॉलो हुई भी। देखें मैं आपसे सिर्फ एक चीज इस वक्त कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग कोई भी असाइनमेंट या प्रपोजल कोई भी चीज जब अपलोड करते हैं तो ये बड़ा जरूरी है कि आप उसको फाइनल करने से पहले एक दफा देख लें कि यहाँ पे लिखा क्या था। सो बतूल कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो फारूक ने डाले हैं और आपने नहीं डाले, हालांकि ठीक है आप यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में जो मैंने क्लास में जब आप लोगों की असाइनमेंट वन डिस्कस की थी तो उस वक्त भी मैंने आप लोगों से कहा था कि आपके उसमें क्या चीजें मिसिंग हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन जो आपने लिखा उसमें आपकी कोई भी एक कोटेशन है फ्रॉम एकेडमिक लिटरेचर? मैम इंट्रोडक्शन में नहीं है। नहीं है ना, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है अ बिट ऑफ लिटरेचर, तो आप वहां पे अगर एक दो कोट्स, एक कोट भी डाल देती ना
तो मैं आपको सिर्फ सजेस्ट ये कर रही हूँ कि जो आपने ये लिखा था इसमें कम से कम एक कोट कहीं से डाल दें ताकि आपके इसमें जो मिसिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे हो जाएं। इसमें आपको कम से कम एक आध, अगर आप कह रही हैं कि ये जो प्रपोजल है, प्रपोजल क्या है, स्टडी ऑफ मैरिटल रेप इन पाकिस्तान, ऐसे ही है ठीक है। तो आप इसमें जब ये कह रही हैं कि स्टडी ऑफ मैरिटल रेप इन पाकिस्तान, तो आपने इस वक्त ये आपके इंट्रोडक्शन में ड्रामा बहुत डोमिनेंट है ठीक है। अच्छा ये आपने जो तीन सफ़े लिख लिए ये आपको आपके ज़ाया इसलिए नहीं होंगे कि मैंने कल आपको एक और असाइनमेंट पोस्ट की जिसमें आपसे मैंने ऐसे मांग लिया ठीक है। सो आपको मेरी सजेशन ये है कि ये इस वक्त जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है इसका काफी सारा पार्ट तो आपके उस एसे में चला जाएगा जो आपको कल मैंने एक असाइनमेंट छोटी सी पोस्ट की है ना, क्योंकि मैं मुझे ये समझ में आ रही थी कि जो आप लोग लिख रहे हैं वो जो हमने पहले सेमेस्टर में काम किया, पहले सेमेस्टर में हमने क्या किया था, मीडिया थ्योरी में ऐसे राइटिंग पेपर राइटिंग की थी ठीक है। तो आप लोग जो हैं वो रिसर्च प्रपोजल में भी पेपर राइटिंग की कोशिश कर रहे हैं, ये पेपर राइटिंग नहीं है, ये उससे इंतहाई डिफरेंट काम है। ये काम ये बताता है कि व्हाई शुड आई राइट द पेपर ठीक है जी। तो ये प्रपोजल है, मैंने आपसे अगर अगर आप में से कोई रिसर्च थीसिस के लिए ऑप्ट कर रहा होता तो फिर मैं आपको सिर्फ ये बताती कि जो आप पेपर लिखेंगे वो थीसिस का शायद आखिरी चैप्टर होगा, और ये जो प्रपोजल हम इस वक्त लिखने की कोशिश कर रहे हैं ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट चैप्टर में चली जाएगी। और ये जो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी, ये जो दिखा रही थी ये यहाँ पे तो थोड़ा सा ही आएगा लेकिन आगे जाके इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा, चैप्टर 3 मेथड के नाम से ठीक है। वो चाहे 6 सफ़े का हो लेकिन वो सेपरेट चैप्टर, यहाँ पे 1 सफ़े पे ख़त्म हो जाएगा 1 से 1.5 में, वहाँ पे 6, 7, 10 पेजेस पे चला जाएगा ठीक है। सो मैं आपसे ये कही थी कि ये आप इंस्ट्रूमेंटेशन जिसमें आपका ये है टूल, आपका जो है टूल, दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट, आप देख रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विल बी यूज्ड टू कलेक्ट डेटा, जिसमें आप कहेंगे फॉर इंस्टेंस ऑडियंस सर्वे और दूसरा कंटेंट एनालिसिस ऑफ ड्रामा। आपको अगर ये समझ में आ रही है कि मैं ड्रामे का कंटेंट एनालाइज कर रहा हूँ और पब्लिक रिस्पॉन्स में सर्वे कर रहा हूँ या इंटरव्यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इंटरव्यूज लिखेंगे और यहाँ पे कंटेंट एनालिसिस ऑफ रांझा रांझा गर्दी लिखेंगे और यहाँ पे इंटरव्यूज ऑफ डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, लॉयर्स लिखेंगे ठीक है। ऑल राइट, सो उसके बाद अगली हेडिंग है प्रोसीजर की ठीक है। और उसमें आप ये लिखेंगे कि ये प्रोसीजर क्या है, कि डेटा जो आपको मैरिटल रेप पे कलेक्ट करना है वो एक्सपर्ट से एज अंडर कलेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे कि जी मैं किस किस से, किस तरीके से मैंने डॉक्टर्स को किस तरह कांटेक्ट किया, साइकेट्रिस्ट को किस तरह कांटेक्ट किया, लॉयर को किस तरह कांटेक्ट किया, वो यहाँ पे आप प्रोसीजर ब्रीफली लिख देंगे कि आपने किसको किस तरह से, बाई इज समबडी हु यू थिंक इज इम्पॉर्टेंट, उसको आपने कैसे कांटेक्ट किया और उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। और ये आप काइंड ऑफ समझ लें कि इसके आखिरी 2-3 टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे हैं ये, इसमें मुझे मुश्किल से एक पैरा चाहिए, आप 5-7 लाइनों का पैराग्राफ लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखेंगे वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का और एक पैराग्राफ आपने लिखना है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस का। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, हमारी यूनिवर्सिटी एक्चुअली बंद हो गई, वरना ये हमारा डिस्कशन थी जो कि मैं आपसे 15th को करनी थी, लेकिन अब मैंने इसकी फिर डेट चेंज करके, अगर आज हमें टाइम मिला तो वी विल ट्राई गोइंग थ्रू इट, क्योंकि इसके अंदर प्रपोजल में जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं हम वो सारी कवर कर चुके हैं एक्सेप्ट दिस। और एक और चीज़ जो हमने रिसर्चर को पता होना चाहिए वो रिसर्च एथिक्स हैं, तो हमने अभी तक रिसर्च एथिक्स का एक डिस्कशन रहती है कि रिसर्चर के जो आपको रिसर्च करने के लिए जो एथिक्स फॉलो करने, वो एक छोटा सा रहता है। तो बहरहाल मैं आपसे कही थी कि वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का आपने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है कि आपकी रिसर्च क्यों है वैलिड, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ वैलिड, व्हाई डू यू थिंक योर रिसर्च इज़ रिलायबल। मतलब ऐसी रिसर्च नहीं है दैट पीपल शुड थिंक कि ओ ये तो यूज़लेस है, इसको ट्रैश कर दो,
right? So ये बड़ा important है that people understand your research is important. तो reliability और validity तो एक उस तरह भी पता चल जाती है कि जब आप उसको एक ही topic पे अगर बार बार research होती रहे तो इसका मतलब है test retest, तो आपकी रिलायबिलिटी एक तो वहाँ से भी निकल आती है कि हर दफ़ा यही रिजल्ट मिलता है. और वैलिडिटी के भी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अभी आपसे ना सेपरेटली डिस्कस कर लूँगी. तो एक पैराग्राफ आपने मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ में बताना है कि वाई यू थिंक योर स्टडी इज़ वैलिड एंड रिलायबल. और उसके बाद आपका यहाँ पे एक नज़र आ रहा है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. मिसाल के तौर पे आपने सर्वे किया तो आपने आप सिर्फ यहाँ पे ये लिखेंगे कि जी मैंने इसको SPSS में अपलोड किया और इसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ टेस्ट रन किए और उन टेस्ट में से उस टेस्ट का अगर आपने को नाम पता है तो वो नाम लिखते हैं कि मैंने ये SPSS में डेटा अपलोड किया और फला फला टेस्ट कंडक्ट किया और उसके थ्रू मैंने इसको एनालाइज कर दिया. अगर आपको ये याद हो कि आपके यहाँ क्लासरूम में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था वेरिएबल्स के नाम से जिसमें चार वेरिएबल्स किसी को याद है कि वो चार वेरिएबल्स कौन से थे? अहमद नबी, जी अहमद नबी, तलहा, किसी को वेरिएबल्स याद हैं? अफरोज, रमला, जी रमला, मैम मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो हैं मैम, मुझे नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल. अहमद मसूद बोल रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली वो जो चार हाँ कॉलम्स बने हुए थे ना, चार कॉलम्स मैंने आपको उस वक्त भी दिखाया था कि उन चार कॉलम्स की बॉटम पे जहाँ पे ऊपर वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए थे बॉटम्स पे उसके बिल्कुल एंड पे ये लिखा हुआ था टेबल के नीचे अगर आप जाएं कि कौन से वेरिएबल्स पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होता. सो कहने का मतलब ये है कि एक तो आसान सा तरीका तो यही है कि आप उसी टेबल को खोल के देख लें कि अगर मैं सर्वे किया है मैंने और SPSS में अपलोड किया तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा कि इस किस्म के किस वेरिएबल्स पे कौन कौन से टेस्ट लिख सकते हैं. और अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो कम से कम ये तो लिख ही सकते हैं ना कि मैं डेटा एनालिसिस के लिए SPSS यूज़ करूँगा. SPSS का जो है सोशल पैकेज फॉर ये स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज फुल नेम एक दफ़ा लिख के और उसके आगे ब्रैकेट में SPSS लिख के यहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ आपने लिखना है कि डेटा जो आपने कलेक्ट किया उसको एनालाइज किस तरह कर रहे हैं या जो ड्रामा आप एनालाइज कर रहे हैं तो आपने सिंपली यही लिखना है कि मैंने डेटा जो कलेक्ट किया उसको मैं कंटेंट एनालिसिस कर रहा हूँ या मैं उसको डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहा हूँ वगैरह वगैरह. ये जो इसके आगे सिनॉप्सिस ऑफ स्टडी ये तकरीबन आपकी पूरी क्लास की ऑलमोस्ट एक जैसी होगी, राइट? सो बेसिकली इसमें आप सिर्फ देख रहे होंगे ये आपकी सिर्फ हेल्प के लिए यहाँ पे डाले हुए कि ये इस तरह की हेडिंग्स आ रही होती हैं कि ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस. प्लीज़ वो मैंने आपसे पहले कहा था कि वहाँ ऊपर ऑब्जेक्टिव्स आया था उसके बाद क्वेश्चंस नहीं लिखा हुआ था. आप रैशनल को बेशक ऊपर कर दें और ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस को इकट्ठा कर दें, ठीक है? क्योंकि इस सैम्पल में यहाँ पे ये इस जगह पे सिनॉप्सिस में ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे नज़र आ रहा है तो आप ऑर्डर ये वाला लेके चलें. और लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के बाद यहाँ क्वेश्चंस नहीं थे इसलिए आप यहाँ पे क्वेश्चंस डालें, ठीक है? तो क्वेश्चंस या थीसिस स्टेटमेंट्स कोई एक चीज़ डालें और उसके बाद आपने एक छोटा सा ये सिनॉप्सिस ऑफ स्टडी देनी है कि चैप्टर वन जो है वो इंट्रोडक्शन है, चैप्टर टू जो है वो लिटरेचर रिव्यू है. प्लीज़ ये चैप्टर्स आप प्रोपोज कर रहे हैं फॉर फाइनल थीसिस, ठीक है? ये प्रपोज़ल राइटिंग एक्सरसाइज है जिसमें आप सिर्फ ये प्रपोज कर रहे होते हैं कि मेरे 5 या 6 चैप्टर्स का थीसिस होगा, उन 4, 5 या 6 चैप्टर्स में आप क्या चीज़ें डालेंगे. उसके बाद आप यहाँ पे ब्रीफली एक टाइमलाइन डाल दें. इस वक्त हम 2020 में हैं तो आप लिखेंगे कि जी मैं जनवरी फरवरी 20 में
मैंने लिटरेचर रिव्यू किया, उसके बाद डेटा कलेक्शन मैंने मार्च या अप्रैल में की, उसके बाद मैंने टूल्स कब डेवलप किए, जो भी आपका मेथड था, मिसाल के तौर पे आप फोकस ग्रुप तो नहीं कर रहे, आप कंटेंट एनालिसिस ऑफ फिल्म कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि ये मैंने एनालिसिस अप्रैल में करनी है, मई में करनी है, उसके मुताबिक इसको कर लें काम जब तक आपका हम मई थर्ड को गालबन आपकी सबमिशन है, तो इस टेबल को मई थर्ड 2020 पे ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको रेफरेंसेस देने हैं, आप ये देख रहे होंगे ये हैंगिंग है, ये एक हाईलाइट किया मैंने रेफरेंस। हैंगिंग का मतलब ये है कि ये आप पैराग्राफ जो हम ऊपर लिख रहे थे उसकी पहली लाइन इंडेंटेड थी, रेफरेंसेस में पहली लाइन इंडेंटेड नहीं है, बल्कि दूसरी तीसरी चौथी लाइन में अगर रेफरेंस चला जाता है तो वो इंडेंटेड है, दैट्स वाई वी कॉल इट हैंगिंग। अभी तक कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? मैम ये आपने रेफरेंस का क्या बताया, दोबारा एक दफा बता दें। मैंने आपसे कहा कि जो रेफरेंसेस हैं वो हैंगिंग स्टाइल में आते हैं, ये हैंगिंग है रेफरेंस, राइट। सो हैंगिंग स्टाइल में आपको रेफरेंस देना। रमला कोई क्वेश्चन है आपका? सैफ मैम मेरा एक क्वेश्चन है, वो फिल्म एनालिसिस के कुछ जी बताइए। हेलो जी, रमला कोई क्वेश्चन है? और रेली रेफरेंसेस का ही पूछना चाह रही थी कि हैंगिंग, ये हैंगिंग है ना, ये देखेंगे, ये अडोर्नो टीडब्ल्यू 1994, इसकी पहली लाइन जो है ये एज से 1.5 इंच पे है इस वक्त, राइट, लेकिन दूसरी लाइन जो है ये 2 इंच पे है। आपको मैं ये पीछे जो कह रही थी, मैंने आपसे कहा था कि आपने पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन इंडेंट करनी है, ये इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, उसका उल्टा है। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन पीछे है और ये सेकंड लाइन जो है वो आगे है, और अगर ये रेफरेंस 3-4 लाइनों में चल रहा होगा तो वो सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइन सब आगे चल रही होगी यहाँ पे, मतलब सारे references हमने ऐसे ही लिखने हैं। जी, references hanging style में ही आते हैं, references हमेशा hanging ही होता है, क्योंकि आपकी पहली लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और दूसरी तीसरी चौथी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी अगर रेफरेंस कम्प्लीट नहीं हुआ। और जो इंडेंटिंग आप कह रही कि इतना स्पेस छोड़ना है, वो हाफ इंच का छोड़ना है? हाँ, ये हाफ इंच ये ऑटोमेटिक है, ये आप इसको अगर आप यहाँ पे वर्ड की कोई फाइल अगर आप खोल के देखते हैं तो आपको वर्ड में ऊपर एक रूलर मौजूद होता है वर्ड में, ठीक है। सो बेसिकली जैसे ही आप इसमें ये आप देख रहे हैं ना, ये वर्ड की फाइल आपको नज़र आ रही है और ये आप देख रही हैं, ये छोटी सी दो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, ठीक है, आप ये देखें, ठीक है जी। तो बेसिकली ये देखें, मैंने आपसे कहा था इसको आपने डबल स्पेस पे करना है। अब ये आप जो ऊपर रूलर देखें, ये रूलर में दो ट्रायंगल और एक छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है, आप ये देख रही हैं, ये आगे पीछे हो रहा है, ये आपने रखना है फॉर पैराग्राफ राइटिंग, और रेफरेंस के लिए आपने ये रखना है, नीचे वाले ट्रायंगल को आगे कर दें, ये आपने देखा है रेफरेंस इस तरीके से आएंगे। किसी को कंफ्यूजन है कि ये किस तरह हुआ है? जी सैफ मौजूद है? जी सैफ अच्छा जी, मोहम्मद अली 119 मोहम्मद अली 119 मौजूद नहीं है। ऑल राइट, कोई क्वेश्चन है अभी तक हमने जो डिस्कशन की उस पे? मैम एक दफा टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाइएगा प्लीज, आपने जो अभी डॉक्यूमेंट खोला हुआ था, आपने जो टेबल ऑफ कंटेंट्स, वो आप उसमें कंटेंट्स अपनी नीड के मुताबिक बनाएंगे, ये कंटेंट्स जो है ना ये इनकम्प्लीट हैं, ये कंप्लीट नहीं है, मैंने आपसे सिर्फ ये जेनेरिक है वैसे हमारे लिए।
नहीं ये फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिमिटेशन नहीं लिखा हुआ, आपने वो कंटेंट्स की लिस्ट बनानी है जिसके हिसाब से मैंने आपका यहाँ पे ग्रेडिंग का वो बना दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को, आप अगर यहाँ पे देखें यहाँ ग्रेडिंग क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, सो प्लीज इस ग्रेडिंग क्राइटेरिया में जो हेडिंग्स हैं उनको आप बिल्कुल ना मिस करें। द प्रपोजल विल बी ग्रेडेड एज बिलो, ये नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं आप, ये ठीक है मैम। इस पे लिखा तो ये वाली जो 7 और 8 आपने यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी की सारी टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर लाजमी होनी चाहिए। ये सारे जिस जिन चीजों पे ग्रेड हो रहा है इसको टेबल ऑफ कंटेंट में जरूर आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई आती है तो वो अलग है। बिल्कुल इसके अलावा तो आएंगी, क्योंकि मैंने आपको रिसर्च डिजाइन में वो चीजें दी हैं। ये देखें यहाँ पे आपको एक ड्राइंग भी नजर आ रही है, मैंने आपसे कहा था कि आप ड्राइंग भी बना सकते हैं कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और डेटा ये डेटा सोर्सेज लिखे हुए हैं कि जी कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे सेंसरशिप जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये जो पब्लिक देख रही है वो पब्लिक जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि फिल्म तो बनी बनाई मिलती है ना, पब्लिक का फिल्म के कॉन्टेंट पे कंट्रोल नहीं है, तो पब्लिक उस फिल्म को, सो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सब इंडिपेंडेंट हैं। तो इसी तरह आप लोग चाहें तो अगर आपको समझ में आ रही है कि मेरा डिपेंडेंट मेरी मैरिटल रेप फिल्म में या ड्रामे में किस तरह रिप्रेजेंट हुआ, वो तो डायरेक्टर की मर्जी थी ना, और फिर अगर वो फिल्म होती तो सेंसर बोर्ड वाले शायद उस सीन को काट ही देते, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि व्यूअर जो भी देख रहा है वो डिपेंडेंट था और जो आ रहा था वो इंडिपेंडेंट था। तो आप उसको अगर चाहें तो आप ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपसे ये कही थी कि यहाँ पे ये आपको मैंने दो एग्जांपल्स अपलोड करके दिए हैं, एक एग्जांपल रिसर्च डिज़ाइन की है जो मैंने आपसे कहा है कि बाय नेक्स्ट क्लास ये आप रिसर्च डिज़ाइन अपना फिनिश करके अपने प्रपोजल में डाल दें, क्योंकि आपने सिग्निफिकेंस वगैरह ऑलरेडी लिखी हुई है। लिमिटेशन का मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, वो आप कर लें, और ये सारी चीज़ें अगले वीकेंड से पहले इसको आप कंप्लीट करें ताकि आपका ये कंप्लीट हो जाए। और ये सारी हेडिंग्स जो हैं आप कंटेंट लिस्ट में आप डाल सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है। लेकिन आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है यहाँ पे कि ये आपको मुझे आपसे फाइनल प्रपोजल में पेजेस क्या क्या चाहिए, क्योंकि अभी तक आप लोग जो हैं वो मुझे एपीए स्टाइल में प्रपोजल दे ही नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि आप एपीए स्टाइल में प्रपोजल नहीं दे रहे मुझे, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये एक सैंपल क्रिएट किया कल बैठ के, ताकि आप मुझे इस स्टाइल में अपना प्रपोजल सबमिट करें। देखिए ये मैंने यहाँ पे सिर्फ ये लिखा 2-3 पेजेस, हालांकि यहाँ पे तो ये एक ही पेज नज़र आ रहा है ना, एक ही पेज मैंने आपसे कहा कि जिसको आप लिखें 2-3 पेजेस लिखें, लिटरेचर रिव्यू मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि 2-3 पेजेस लिखें, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मेन हेडिंग है, कैपिटल्स में है, आप इसको करेंगे। कल्टिवेशन थ्योरी मेन हेडिंग नहीं है, सब हेडिंग है उसकी थ्योरी की, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू में सपोज कि आप 10 सब हेडिंग्स डाल देते हैं, जिस तरह उस दिन आपके जब वर्कशॉप हो रही थी फराहत के साथ तो वहाँ पे माहीन आके बैठी हुई थी, ठीक है। माहीन जो है अब बतूल का ज़्यादा फोकस टॉपिक है, बतूल का टॉपिक है मैरिटल रेप, ठीक है, और लेकिन माहीन का टॉपिक है सेक्सुअल हरासमेंट इन हम टीवी एंड एआरवाई डिजिटल प्लेस। तो उसकी वजह से उसको 4 टाइप्स ऑफ हरासमेंट देखनी पड़ रही है। जब वो 4 टाइप्स ऑफ हरासमेंट देखेगी तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर वो 4 हेडिंग्स तो दे सकती है ना, कि चाइल्ड मोलेस्टेशन जो है वो क्या है, मैरिटल रेप क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, इसी तरह कोई 3-4 और किस्में जो उसको नज़र आ रही हैं, सेक्सुअल एडवांसेस क्या हैं, वो इन इसके नीचे 3-4 हेडिंग्स सब हेडिंग्स क्रिएट कर सकती है। जब भी सब हेडिंग आएगी तो वो अपर मतलब ऑल कैप्स के बजाय इस स्टाइल में जाएगी, सेकंड हेडिंग इस स्टाइल में जाएगी। अगर ये थर्ड हेडिंग होती, मिसाल के तौर पे कल्टीवेशन थ्योरी के अंदर आपने एक और हेडिंग बना दी, ठीक है, तो आप ये याद रखें कि फर्स्ट हेडिंग ऑल कैप्स है, सेकंड हेडिंग अपर एंड लोअर है, और जो थर्ड हेडिंग आती है वो इसी को आप आइटैलिक्स कर देते, ठीक है मैम, वो भी लेफ्ट अलाइंड होती है।
नहीं अभी तो आपका ये सब सेंटर में ही चल रहा है, आपको मैंने ठीक है मैम। सेंटर में दिया हुआ है, तो फिलहाल आप इसी इसमें करते हैं, जो आपकी मेन हेडिंग्स हैं वो सिर्फ उसको जरा कैप्स में दिया हुआ है। इसमें छोटा मोटा एरर हो सकता है, लेकिन बहरहाल फिलहाल आप इसी ठीक तरह से कर दें, ठीक है? तो ठीक है मैम। आप इससे, क्योंकि फाइनल प्रपोजल को आप इस शेप में, आई सजेस्ट के बाय 5th of April आप इसको फाइनल, ये रिसर्च डिज़ाइन का ये मैंने आपको एक अलग से दिया है, ये यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन, आप रिसर्च वाला अपना ड्राइंग डालनी है, डालें नहीं डालनी ना डालें, यहाँ पे आपको एक ड्राइंग नज़र आ रही है, सो जस्ट क्रिएट दिस और अपना जो आपका प्रपोजल है उसको आप कंप्लीट कर लें, ठीक है मैम। ठीक है? यहाँ मैम, पे अंदर कुछ देर आपकी आवाज कट गई थी, तो क्या ऐसे हो सकता है कि ये लेक्चर अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो मिल सकता है? ये मैं दो तीन दफा आवाज ही नहीं आई आपकी, और वो काफी देर। अगर कोई आवाज़ नहीं आई तो आप पूछ लें, वैसे ये रिकॉर्ड तो मेरा ख्याल है कि हो रहा है, इसको मैं डाल दूंगी यूट्यूब पे और वहां से आप लोगों को लिंक दे दूंगी। ठीक जी मैम, थैंक यू, है ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है? और दूसरा ये है कि अभी तक ये जो दो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं प्रपोजल कंप्लीशन के बारे में, इसमें कोई क्वेश्चन रह गया तो मुझे बताइए। नहीं मैम, मोर और लेस तो हो गया, बाकी है तो अच्छा, बता देते। आप ये देख रहे हैं ना कि रिसर्च डिज़ाइन, यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन भी आप लिख सकते हैं, मेथोडोलॉजी भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख दें। बहुत छोटा सा ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि जी ये रिसर्च डिज़ाइन 2 मेथड्स पे बेस्ड है, ट्रायंगुलेट कर रहे हैं, जिसमें पब्लिक रिस्पॉन्स टू मैरिटल रेप, बतूली आपका वाला ही टॉपिक चल रहा है अभी तक, ठीक है? जी मैम, जिस पे आपने मेंशन किया कि मेथड 1 के नीचे के मैरिटल रेप का जो जो है वो क्या कर रहा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि जी मैं एज, यहाँ पे अगर आप क्वांटिटेटिव करेंगी तो आप लिखेंगी पब्लिक कर देंगी इसको, और यहाँ से जो भी आ रहा है, तो आपका पब्लिक के केस में वेरिएबल्स कुछ और होंगे ना, जी तो आप इसको प्लीज इस ड्राइंग को ये ना समझिएगा कि ये ड्राइंग इसी से रेलेवेंट लिखी हुई है, ये इस वक्त सिर्फ सैंपल्स दिए हुए हैं, और ये आपको जो मैंने वेरिएबल्स का एक टेबल दिखाया था, वहां पे नीचे ये X2 लिखा हुआ था, काई स्क्वेयर टेस्ट इसको कहते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने आपसे वैसे ही कहा कि अगर आप चाहें तो आप टेस्ट भी मेंशन कर सकती हैं कि जी मैं पब्लिक रिस्पॉन्स पे ये वाला टेस्ट अप्लाई करूंगी, ठीक है? और यहाँ पे तो खैर एक्सिजन्स लिखा हुआ है सेंसरशिप की, आप ये लिख सकती हैं कि पब्लिक रिस्पॉन्स जो है वो टीवी पे या जैसे भी, अगर मैरिटल रेप को देखती है या वैसे जिस तरीके से मेल एंड फीमेल रिस्पॉन्स टू मैरिटल रेप क्या है, उस पे भी आप टेस्ट लगा सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं देखूंगी कि जी मैं ये टेस्ट अप्लाई करूंगी, और अगर आप ये नहीं लिखेंगी तो शायद इस वक्त आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपको अभी ये पता नहीं है कि इस टेस्ट के रिजल्ट में आपको मिलेगा क्या क्या, ठीक है? लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये सिर्फ पब्लिक रिस्पॉन्स टू मैरिटल रेप के नीचे, इसमें से जितनी चीज़ें आपकी समझ में आती हैं वो आप लिखते हैं कि टीवी पे जो मैरिटल रेप नज़र आता है और उससे पब्लिक लर्निंग है, उसकी कोई रिलेशनशिप है या नहीं, क्योंकि जब ये टेलीविजन पे आया ये ड्रामा, तो उसके बाद मीडिया ने तो बहुत शोर मचाया, ठीक है? जी लेकिन आपका क्या ख्याल है कि गांव में चौपालों में भी लोगों ने शोर मचाया? परहैप्स, आई डोंट नो। तो बेसिकली आप फिर यही कह रहे होते हैं कि ऑडियंस ने जो लर्न किया टीवी से, उसकी कोई रिलेशनशिप है कि अवेयरनेस बढ़ गई मैरिटल रेप पे वाया टीवी एक्सेट्रा, स्टडी ऑफ ड्रामा, दिस स्टडी कवर्स कंटेंट एनालिसिस ऑफ रांझा रांझा करती एंड लुक्स इनटू व्हाट, आपको रांझा ड्रामे के अंदर क्या ढूंढना है कि इन्होंने, वो आप ऑलरेडी लिख रही हैं कि सास कैसे रिएक्ट कर रही है, बहू कैसे रिएक्ट कर रही है, तो आप सिर्फ ये लिख देंगी कि मैं ड्रामा क्यों स्टडी कर रही हूँ, और आपको रांझा रांझा कर दी से पहले हर दफा ड्रामा लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो स्टडी कवर्स कंटेंट एनालिसिस ऑफ रांझा रांझा कर दी ये काफी है, ठीक ठीक है? बिकॉज आप इसको जो भी पढ़ेंगे दे वुड नो के इट्स अ ड्रामा दैट यू आर डिस्कसिंग, क्योंकि आप प्रपोजल के शुरू में एक दफा कह चुकी कि आप ड्रामा ठीक पढ़ रही हैं, तो फॉर रेस्ट ऑफ इट यू कैन राइट रांझा रांझा कर दी, ठीक ठीक है? और के को कैपिटलाइज ना करिएगा, रांझा रांझा नाम है इसलिए कैपिटल है, APA में तीनों लेटर्स कैपिटलाइज नहीं होते, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस केस में जाता है ये, ठीक है?
मैम इसमें क्या फर्स्ट टू लेटर्स आपने किए ना कैपिटलाइज रांझा रांझा जो नहीं नहीं नाम को नाम तो जो आपका नाउन तो कैपिटल ही होगा ना इट्स अ नाउन ठीक है नाम है ना रांझा तो नाम है नाम को तो आप लोअर नहीं कर सकते नाम तो कैपिटल से ही आएगा आपसे मैंने कहा था कि सेंटेंस केस में जाएगा सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा लेकिन रांझा इज अ नेम तो इसलिए जितनी दफा भी आएगा कैपिटल आएगा ठीक है अभी तक किसी और का कोई क्वेश्चन है अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स मैम मेरा मुझे एक कंफ्यूजन थी जो बहुत शुरू में आपने मुझे वो टेबल के बारे में मुझे आप गाइड कर रही थी मेरे जो अभी तक क्वेश्चन है उसमें सर्वे नहीं है क्या आप मुझे सजेस्ट कर रही हैं कि मैं सर्वे उसमें इंक्लूड कर लूं हाँ आप इसलिए इंक्लूड कर लें कि आपने आप वो क्वेश्चनियर बना चुके हैं कि आपने काफी मेहनत की क्वेश्चनियर पे जी ठीक है तो आप उसको अपने मेथड में इंक्लूड कर लें सेकंडली जो मैंने आपको सेकंड असाइनमेंट दी है कल उसमें उसमें आपका सर्वे शामिल है ठीक है तो आपसे आपको मैंने सजेस्ट किया आप लोगों से मैंने कहा था कि सर्वे अपलोड कर दें आप में से कितने लोगों ने अपलोड किया था सर्वे अपलोड किया था फेसबुक पे सर्वे अफरोज किसी ने जवाब दिया अगर किया हुआ था जी मैम चार पांच लोगों ने जवाब दिया हुआ इसमें जी मैम मैंने अभी किया हुआ लेकिन वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया एक दो ही आए भी वो मैं शेयर कर देता हूँ वो एक दो जो आए उससे उसको उससे तो आप ज्यादा वो नहीं कर सकेंगे सो यू विल एंड अप विद कंटेंट एनालिसिस जो कि आपने ऑलरेडी की हुई है जी जी कंटेंट एनालिसिस तो आपने ऑलरेडी की हुई है ना इस पर्टिकुलर फिल्म की तो कंटेंट एनालिसिस आपने ऑलरेडी की हुई है अच्छा बतूर मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो आपका इंट्रोडक्शन है इस इंट्रोडक्शन ये जो आपका इंट्रोडक्शन किधर गया जी ये मैम फारूक का हाँ इस इंट्रोडक्शन में देखें फारूक के इंट्रोडक्शन के आप एंड पे जाएं तो फारूक बता रहा है कि ये स्टडी क्या कर रही है ही मेंशंस के इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है पैराग्राफ के अंदर ही मेंशन करना है एंड ही आल्सो सेज के मेरे क्वेश्चंस क्या हैं ठीक है सो आपका आपके ये जो तीन सफ़े हैं मैंने आपसे कहा था कि आपकी मोस्ट ऑफ इट विल गो इन योर सेकंड असाइनमेंट जो मैंने कल पोस्ट की यहाँ पे आपको सिर्फ क्रक्स चाहिए कि ड्रामे में ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको जिसका और जो भी चीज़ थी ड्रामे में उसका सोसाइटी से क्या रिलेशनशिप था एंड वाई यू आर कंडक्टिंग दिस रिसर्च और आपने यहाँ पे ना आपने सिर्फ उसको यहाँ पे सिर्फ क्रक्स पे आ जाएं कि इस ड्रामे ने ये मैरिटल रेप को एक हॉट डिस्कशन के तौर पे स्टार्ट कर दिया और ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई की जो पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप ये स्टडी प्रपोज कर रही हैं स्टडी के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका क्वेश्चन क्या है आप क्या मैथड यूज़ करेंगी और आप एक दो लाइनें मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया लिटरेचर की तो आपका ये इंट्रोडक्शन ना ज़रा कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वैसे इसमें फ्लो बहुत अच्छा है फ्लो बहुत अच्छा है आपका फ्लो जो था वो लिटरेचर रिव्यू में कंसिस्टेंट नहीं रहा जितना यहाँ शुरू पे आ रहा था ठीक है तो आप उसको वहाँ पे कर लें इसको बस सिर्फ ये कर लें और आपके मैं इसी वजह से कही थी कि सिर्फ इंग्रेडिएंट्स थोड़े से मिसिंग हैं कि आपको इंट्रोडक्शन में बताना ही है बाद में वो सेपरेट हेडिंग्स के तौर पर तो आएंगे जैसे यहाँ पे मैंने आपको हेडिंग्स दी थी मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव के बाद आप क्या चीज़ डालने को कही थी ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपसे मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव्स के फौरन बाद अगली हेडिंग आप देंगे क्वेश्चंस या थीसिस स्टेटमेंट की ठीक है दोनों भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ये क्या आप कर रहे हैं लेकिन आपको यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्टिव इज आल्सो फाइन टू ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो फाइन इसके आगे सिंगल क्वेश्चन इज आल्सो फाइन मोर देन वन क्वेश्चन इज गुड सिर्फ आपके बाकी प्रपोजल में ये आपके प्रपोजल के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो इस टेबल पे है सो आप
आपके प्रपोजल में जो है, मैं आपको इसकी आई ट्राई कि मैं आपको इसकी जो मैंने आपका रिव्यू किया था उसकी तस्वीर खींच के भेज दूँ. बट इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग, खासतौर पर ये वाले जो दो क्वेश्चन थे ना, तो क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि आपने ये टेबल बनाते हुए आपने ये नहीं सोचा कि आपने इंट्रोडक्शन में लिखा क्या है, और इस वक्त टेबल में आप जो कुछ लिखेंगी वो आपकी मेथोडोलॉजी में तो वैसे ही चला जाएगा, जो टेबल में लिखेंगी उसमें आपके इंट्रोडक्शन में भी रिफ्लेक्ट करना है. ठीक है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ से वापस जाएं आपके उस पे क्या कहते हैं क्लासरूम में, अगर आप जाएंगी तो मेथोडोलॉजी में ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये आप टेबल अगर आप देखेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से इस ब्लैंक टेबल को डाउनलोड करें. ठीक. और इसको फिल करें, और आपके पास पहले जितने टेबल्स हैं, आपसे मेरी टेबल पे बहुत डिस्कशन हुई है पिछले 4-5 महीनों में, पिछले सेमेस्टर के एंड पे भी हुई, फिर भी हुई. आप लोग जब टेबल को मुझे भेजते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं मैंने क्या बात की थी, इसलिए मैंने यहाँ से सारी चीज़ें हटा दी. सो आई सजेस्ट कि आपने जो सोर्स लिखा है, आपने जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिखा, जो क्वेश्चन लिखा, उसके बारे में सोचें कि इस क्वेश्चन का जवाब, फॉर इंस्टेंस आपने यहाँ लिखा रांझा रांझा कर दी हैज डिपिक्टेड मैरिटल रेप, इसके आगे वैसे ये मेल सैनिटी, ठीक है, ये दो चीजें लिखी हुई हैं. पहला सेंटेंस आपका क्लेम है, दूसरा सेंटेंस आपका क्वेश्चन है. जी ठीक है, मेडिकली करेक्ट का जवाब जो है ये तो आप ये क्वेश्चन ये निकाल दें यहाँ से ये पार्ट, क्योंकि वैसे तो दोनों चीजों को अलग अलग रो में जाना था. ठीक है, अलग अलग रो में जाना था. दूसरी बात ये है कि ये सवाल तो आपको डॉक्टर एक अकेला डॉक्टर ही बता देगा, तो आपको पब्लिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी ना, पब्लिक रिस्पांस चाहिए थी, तो डॉक्टर और लॉयर आपको क्यों चाहिए, ये आपका प्रपोजल नहीं बता रहा कि आपको डॉक्टर लॉयर और साइकेट्रिस्ट क्यों चाहिए. और मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर लॉयर और साइकेट्रिस्ट के मुकाबले में पब्लिक रिस्पॉन्स जो है वो शायद ज़्यादा ज़रूरी है स्टडी करना. ठीक है. क्योंकि डॉक्टर लॉयर और साइकेट्रिस्ट तो नॉर्मली हम डॉक्यूमेंट्री में डाल देते हैं ऐसे लोग ना, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है. अगर आप इनके साथ कुछ करेंगी तो फिर क्वेश्चनियर और तरह का बनेगा. आपका मौजूदा क्वेश्चनियर जो है वो इन लोगों के लिए नहीं है. आपको पता है कि आपका प्रेजेंट क्वेश्चनियर इन तीन टाइप के लोगों के लिए नहीं है. सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके प्रपोजल में कोहेरेंस कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है कि आपने, क्योंकि आपका प्रपोजल कहीं भी नहीं कह रहा कि ये तीन लोग आपको क्यों चाहिए. ठीक है, ठीक है. बाकी लोग जो हैं प्लीज, सुफियान. यस मैम. आपको ये बतूल के प्रपोजल पे जो डिस्कशन मैंने की है वो आपको समझ में आई है अभी? यस मैम. हाँ, आपका टॉपिक नहीं था, बतूल का टॉपिक था, लेकिन जो चीज़ें थी वो रिसर्च को एक ही तरीके से अप्लाई होती हैं सबके लिए. सो बेसिकली वी आर रैपिडली मूविंग टूअर्ड्स क्लोजर ऑफ द टर्म. ठीक है, हमारा ये सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने तो अंडर ग्रेड लेवल पे भी रिसर्च प्रपोजल शायद किया था. हाँ, नहीं मैम. अच्छा, रिसर्च प्रपोजल नहीं किया अंडर ग्रेड? फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैम. अच्छा, फर्स्ट. हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, और आप लोगों को परेशान इसलिए नहीं होना चाहिए कि लोग इसको एट टाइम्स, अभी हमारी एक पीएचडी कंप्लीट हो रहा है इसी साल, आपके साथ आपके सीनियर्स के साथ वो खातून ग्रेजुएट करेंगी, और जो उनका मेरे पास थीसिस पीएचडी थीसिस पिछले एक साल से बार बार आ रहा है, तो ट्रस्ट मी कि ये जो ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस वाला पार्ट है ये लोगों से बहुत मुश्किल से हैंडल होता है, और ये सबसे मुश्किल सवाल है कि आप किसी से ये पूछ लें कि आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, तो पीपल गेट कंफ्यूज्ड, उनको इसका जवाब नहीं देना आता, उन्होंने
15 सफ़े का एसे लिख लिया होता है, प्रपोजल लिख लिया होता है, लेकिन द मिनट यू आस्क देम कि जी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनसे जवाब नहीं दिया जाता है. सो दे गेट कन्फ्यूज. जितनी दफ़ा आप ऑब्जेक्टिव पूछते हैं जवाब में आपको इंट्रोडक्शन मिलता है, जितनी दफ़ा आप क्वेश्चन पूछते हैं अगला बंदा इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देता है. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मुश्किल है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने जो एसेज वगैरह लिखे, पहले लिखे थे मैंने कहा था उसी में से अब लिख चुके हैं, चलो अब बता दो कि क्यों लिखा, और जो ऐसे लिखा उसके पीछे की क्वेश्चन क्या था. तो आई थिंक कि जो चीज़ आप लोग कर चुके हैं उसके पीछे भी की क्वेश्चन बताने में अभी तक मुश्किल आ रही है, ठीक है, तो उसको बस आप उसको इन चीज़ों को हैंडल कर लें. ठीक है मैम. एक चीज़ बताइएगा, हम लोग जो कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं हमें भी क्वेश्चन एयर करने मतलब तैयार करने की जरूरत है या नहीं? वो एक एक्सरसाइज थी. मैं ऐसा करती हूँ कि जो मैंने कल असाइनमेंट पूरी की पोस्ट की उसको मैं एक दफ़ा फिर देख लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने डेटा नहीं कलेक्ट किया जी. तो अब ऐसा है कि कुछ लोगों ने तो अपने पिछले सेमेस्टर वाला टॉपिक उठा लिया था, उनको तो हम वो काम नहीं दे सकते ना, सेम काम नहीं दे सकते. सो आई विल हैव टू कम अप विद समथिंग एल्स. आपका मैं इसको मैं जरा दोबारा देखती हूँ फिर मैं बताती हूँ इसका क्या करना है. बट फॉर दोज जिन्होंने डेटा कलेक्शन आप लोगों से कहा था, तो अपने कुछ दोस्तों को ही भेज के डेटा कलेक्ट कर लेना था और उसको एब्जॉर्ब कर लेना था. क्यों अहमद नबी अली? मैम भेजा था वो, कोई सीरियस नहीं ले रहा था, तो फिर मैंने भी कोई ज्यादा परसूल नहीं किया, मैं करता दोबारा. हाँ, और अली हैदर है जी? बिल्कुल मैम, 5-6 आए हुए हैं उसके आंसर्स, मैंने भी फेसबुक अपलोड किया हुआ. अच्छा अली हैदर, जरा कुछ कुछ लोगों से, कोई 20-25 लोगों से ही कम से कम रिक्वेस्ट करके फिल करा लें, ताकि हमारी ये एक्सरसाइज जरा अच्छी हो जाएगी. मैम ये घर से ही 4-5 लोग और हैं, घर से करवाना. घर वाले मारेंगे आपको. आपका टॉपिक क्या था? मैम वो बतूल तो घर में नहीं शेयर कर सकती अपना. आपका क्या चले? आप लोग देखें किस तरीके से, कम क्लास में ही 15 लोग थे, आप लोगों ने आपस में भी नहीं मांगा जवाब. आपस में दे सकते हैं? नहीं, आप लोग तो असल में आप लोग तो एजुकेटेड जवाब देंगे, क्योंकि इतने अरसे से डिस्कस कर रहे हैं, आपको तो पब्लिक रिस्पांस चाहिए ना. तो सैंपल खराब हो जाएगा आपस में, आपका बायस्ड, सारे रिस्पॉन्सेस बायस्ड हो जाएंगी. ठीक है, तो कोशिश करें कि किसी और को दे के उसका जवाब लेने की कोशिश करें. ठीक है, ठीक है मैम. अली के 10,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, वहां से करवा लेंगे. अली खान के? जी क्या बात है अली, आप जरा सबके साथ शेयर तो करें. ठीक है मैम, जरूर. अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, अगर आप कहें तो मैं जरा जल्दी से इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि जो आपका था क्या कहते हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी वाला था शायद. हाँ, क्योंकि आपके रिसर्च वाला जो है उसमें एक प्रपोजल में एक हेडिंग है ये. जी जी राइट, ये हम स्क्रीन नजर आ रही है. अहमद मसूद, फारूक, अफरोज जी मैम, फारूक है, तो सब लोग उठे गए हैं यार. यस मैम, यस मैम. मोहम्मद अली? यस यस मैम. ये कौन सा मोहम्मद अली बोला जी? 118. हाँ, और 119. एम बेड. ऑल राइट, बासित, निब्रास, इसका क्या करूंगी मैं. रमला मैम, रमला सैफुल्ला. यस मैम. सैफ जी. Alright, Sufyan, Ahmed. मैम मेरी एब्सेंट तो नहीं लगी? नहीं, आपकी नहीं लगी.
मैम रमला प्रेजेंट है, वो कह रही है कि उसका माइक नहीं चल रहा. अच्छा वो इसका उसका मैसेज आया, आप चेक कर ले, वो हैंगआउट्स में मैसेज आया. ऑलराइट मैम, निब्रास के अलावा सब मौजूद हैं. निब्रास के अलावा सब मौजूद हैं. अच्छा आप कह रहे हैं कि सुबह वाली सिचुएशन है, निब्रास के अलावा सब हैं. जी मैम ठीक है. ऑलराइट ये इन्होंने काफी मुश्किल कर दिया काम. लेट्स चेक द अदर वन. नहीं 22 मार्च तो हमारा ऑफ था ना. ये ये सेव नहीं हुई उस वक्त अटेंडेंस. ऑलराइट हम इसको जरा फिर एहतियातन एक दफा चेक कर लें. अभी कोई कंफ्यूज तो नहीं है कि मैंने क्या डिस्कस किया रिसर्च मेथडोलॉजी पे? अहमद नबी आप क्लियर है? मोर और लेस वो मेरा तो फिल्म कंटेंट था तो मुझे तो इतना ज्यादा मैं मेरी नहीं थी, लेकिन हां मुझे कुछ कुछ मैम आपको लिख के साथ में ईमेल पे चेक करा सकते हैं लेदर से. जी जी आप साथ साथ आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मुझसे फेस टू फेस ना व्हाट्सएप पे या हैंगआउट पे मीटिंग कर लें. जी जरूर मैम, मैं आप लिख के आपको सब मीटिंग कर. हाँ आप उससे हैंगआउट पे मुझसे डिस्कस कर लें, इसी पे डिस्कस कर लें. और मैम वो मैंने थीसिस का एक प्रपोजल भी आपको भेजा था. हाँ कल रात भेजा ना आपने. जी बिल्कुल. हाँ उसको आप ऐसा करें कि मैंने ताजा साहब से कहा है, ये वो आप लोगों से पहले भी कहा था कि उनसे जरूर डिस्कस कर लें, मुझसे भी आप लोगों ने नहीं डिस्कस किया, उनसे भी नहीं किया. मैम आपको मैंने सुपरवाइजर रखा है. हाँ वो मैंने देख लिया, वो मैंने उसको ब्रीफली थोड़ा सा देख लिया था. तो ताजा साहब से जरूर डिस्कस करें क्योंकि मैंने उनसे ये कहा है कि आपका जैसे ही ये सेमेस्टर खत्म होता है आपको मालूम है ना, मैंने 26th अप्रैल मैक्सिमम आपकी लास्ट क्लास है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, तो शायद उससे पहले ही लास्ट हो जाए, 19th को शायद हो जाए लास्ट. ठीक है मैम. तो लेकिन मैंने एग्जाम आपका दो हफ्ते के गैप से रखा है ताकि इन बिटवीन आप लोगों को अगर कोई मुझसे डिस्कस करना हो तो आप मुझे फेस टू फेस या व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. और अच्छा मैं अब ये बंद कर दूं कुछ चीजें. आप प्लीज ये यहाँ से यूज करिएगा यहाँ से. और इस वक्त आपको जो सबसे ज्यादा चीजें चाहिए वो आपको इस वक्त ये जो आपसे मैंने कहा कि नंबर 6 पे मेथड में ये दोनों फाइल्स पड़ी हुई है, रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च प्रपोजल की. आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके इसके ऊपर अपना प्रपोजल इस फॉर्मेट में कर दें. ठीक है. और 5 अप्रैल तक इसको अपलोड जरूर कर दें क्योंकि 5th को प्लीज आई वांट प्रेजेंटेशंस बाय एवरीवन. ठीक है. ऑलराइट अब आपका ये इसको फिर मैं इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया आप लोगों का. ओके थैंक यू. ओके मैम. थैंक यू. ओके थैंक यू मैम. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ मैम. अल्लाह हाफिज़ डॉक्टर साहब.